डन ओके गुड मॉर्निंग है रिवन गुड मॉर्निंग अगर आपको आवाज़ आ रही है तो फटाफट बताइए तो मैंने टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी अपनी क्लास शेयर कर दी है और बाकी सारे बच्चे भी जुड़ जाएंगे यहाँ पर जल्दी से जल्दी बताइए आपको आवाज़ आ रही है जी गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सबको गुड मॉर्निंग जल्दी से जल्दी बताइए क्लास में आवाज़ आ रही है आपको जी मैंने सुन भी लिया आवाज़ आ रही है प्रॉपर तरीके से आवाज़ पहुंच रही है आप लोगों को जी गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग ठीक है ओके सो okay. धीरे so, धीरे बाकी बच्चे भी जुड़ जाते हैं आने दो थोड़ा सा बच्चों को और बाकी जो है आ, आज एक इन्फॉर्मेशन है आपको इन्फॉर्मेशन क्या है वो आपने आप लोगों ने ही मुझे बताया था कि हाँ कल आपका एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है बहुत बढ़िया अगर आपके एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है और जिस चीज़ का वेट था आपको वो चीज़ आ चुकी है ठीक है जी आने दो दो, दो तीन मिनट वेट करते हैं ताकि क्लास स्टार्ट करनी है क्लास तो हम डिस्कस करेंगे करेंगे लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देनी है तो उस इन्फॉर्मेशन को लेके ही चलेंगे आगे गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग ठीक है जैसे ही फाइव हंड्रेड स्टूडेंट्स लाइव हो जाते हैं तो मैं क्लास स्टार्ट कर दूंगा और मतलब क्लास स्टार्ट करने का मतलब आपको इन्फॉमेशन प्रोवाइड कर दूंगा ठीक है आने दो एक मैं थोड़ी सी वेट करेंगे अदरवाइज़ मैं कभी भी नहीं बोलता कि हम वेट करेंगे आज थोड़े से पाँच सौ बच्चों को जैसे ही लाइव हो जाते हैं तो स्टार्ट कर देंगे हम जी 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 गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग चलिए हो गए हैं फाइव हंड्रेड स्टूडेंट लाइव हो चुके हैं सो so, अभी एक इन्फॉर्मेशन ये है कि देखिए ध्यान से समझना है ध्यान से चीज़ को समझना और नोट कर लेना जो चीज़ मैं बोल रहा हूं ठीक है क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट चीज है वो मैं आपको बता देता हूँ देखिए आपको पता है कि अब आई का एग्ज़ाम आ चुका है ठीक है और मेरे को जि जित मैंने नहीं देखा लेकिन बच्चों ने जो मैसेज भेजे थे मुझे उसके अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ कि उनके जो एग्ज़ाम डेट्स आई हैं कई लोगों की अठारह आई है कई लोग मुझे उन्नीस मैसेज भी भेज रहे थे कोई लोग बीस भी भेज रहे थे मतलब इन डेट्स के अंदर आपके एग्जाम्स हैं 18, 19, 20 के आसपास जो हैं सारे जो बच्चों के एग्ज़ाम है इस डेट्स में घूम रहे हैं ठीक है पहले मैं उन लोगों के लिए बात करूंगा जिन लोगों का मतलब जिन लोगों का ये सेम डे एग्जाम है दूसरा भी कई लोगों का एफ कैट का एग्जाम है कई लोगों का पी के एग्जाम हैं आई डोंट नो कि किसका कौन कौन सा एग्जाम है अगर किसी का एग्ज़ाम सेम डेट के ऊपर फंस रहा है ना तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूं आईबी के अंदर कंपटीशन बहुत टफ होगा ठीक है मैं डरा नहीं रहा आपको मैं आपको रियल बता रहा हूं टफ होने का मतलब यह है कि अगर आपको लगता है आपकी प्रेपरेशन बहुत अच्छी है आईबी की तो आप आईबी का एग्जाम दें ठीक है अगर आपकी प्रेपरेशन बहुत ज़्यादा अच्छी है तो दें आप लगता है कि कॉन्फिडेंट हैं आप निकाल लेंगे एग्ज़ाम को तो आप पक्का दें और आईबी एग्जाम की कट ऑफ हमेशा हाई रहती है तो इसीलिए अटैम्प्ट जो पेपर करना है आपको फुली अटैम्प्ट करके आना है लेकिन गलत नहीं करके आने अटैम्प्ट में पहले वही आपको इलिमिनेशन मेथड यूज़ करने पड़ेंगे ऑप्शन देख के और बहुत तरीके से दिमाग लगाना पड़ेगा एक घंटे के अंदर आई थिंक एक घंटा ही होता है हाँ उसके अंदर टाइमिंग आपका प्रीलिम्स का पेपर जो टीयर वन का पेपर होता है सो अच्छे से एग्जाम करना जिनका लगता है कि नहीं मेरा आई में नहीं हो पाएगा मेरी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है मैंने अभी स्टार्ट किया था पाँच दिन पहले दस दिन पहले तो देख लो यार आपके ऊपर है ये चीज़ आप खुद डिसाइड करेंगे कि आपको पेपर कौन सा देना है पहली बात तो दूसरी बात यह है कि अब इन नौ दिन के अंदर कैसे पढ़ा जाए इन नौ दिन के अंदर कैसे पढ़ा जाए मैं सिर्फ अपने सब्जेक्ट की बात करूंगा और आप लोग जो हैं कहीं ना कहीं दूसरे एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहे होंगे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो आप तैयारी कर रही ही रहे होंगे ठीक है कोई एसएससी की तैयारी कर रहा होगा कोई स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहा होगा कोई आप में से यूपीएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहा होगा मतलब सारे डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे ठीक है लेकिन अब एक चीज आपको क्लियर होनी चाहिए क्या इसमें आपके मैं दो तरीके से स्टूडेंट्स लूंगा एक तो मैं अपने पेड़ वाले बच्चों को लेके चलूंगा जो मेरे पेड़ क्लासेस जिन्होंने ले रखी हैं और एक मेरी फैमिली जो है यूट्यूब फैमिली जो मेरी फ्री क्लासेस देखती है उसके लिए मैं बात करूंगा ठीक है जो बच्चे मैं पहले बात करूंगा जो बच्चे यूट्यूब से क्लासेस देखते हैं पेड़ वालों के लिए मैं बाद में बात करता हूँ जो बच्चे यूट्यूब की क्लासेस देखते हैं देखिए आज हमारा सेट नंबर थर्टी है ठीक है आज हमारा सेट नंबर क्या है थर्टी है अब ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूँ सेट नंबर थर्टी फाइव है तो मैं आज आईबी की लास्ट क्लास लूंगा ध्यान से सुनना शौक मत ले लेना मैं बता रहा हूं जो चीजें वो नोट डाउन करते रहना आज थर्टी फाइव सेट है आज हम इसका लास्ट सेट डिस्कस करेंगे ये लास्ट सेट होगा ठीक है आपको करना क्या है जो बच्चे यूट्यूब वाले हैं सिर्फ यूट्यूब वालों के लिए बात कर रहा हूं पेड़ वालों के लिए बात नहीं कर रहा ठीक है जिन लोगों ने यूट्यूब की क्लासेस ले रखी है थर्टी सेट तो आपको क्या करना है ये आठ नौ दिन जो रह गए हैं इसको ऐसे डिवाइड करो कि आपके थर्टी फाइव सेट जो है रिवाइज हो जाए जा, बार बार रिवाइज हो जाए ठीक है आपको नौ दिन के अंदर ये नौ दिन के अंदर करना क्या है ये नौ दिन के अंदर आपको इनकी क्या करनी है रिविजन करनी है समझ आया रिविजन करनी है और एक में इसके लिए आई एग्जाम्स के लिए जो हमारा सैटरडे आएगा सैटरडे या संडे जब भी ठीक है तो मैं आपकी एक मैराथन क्लास लूंगा और वो, वो, आपको पता है है मैं एक लास्ट 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 क्लास 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 लूंगा class, ठीक है? लूंगा मैराथन मैराथन ठीक फॉर आई बी के लिए और ये जो क्लास है मैराथन आई क्लास है ठीक है ये यूट्यूब वाले बच्चे भी देखेंगे और ये पेड वाले भी देखेंगे ये दोनों आएंगे यूट्यूब वाले बच्चे भी देखेंगे और प्लस पेड वाले बच्चे भी देखेंगे समझ आया तो ये लास्ट मैराथन फॉर द आई एग्जाम जो है आपके यूट्यूब और प्लस पेड़ वाले बच्चे दोनों देखेंगे जब भी हमारी सैटरडे को क्लास होगी नौ बजे रात को ठीक है एक तो ये हो गया आपका YouTube वालों को लो ये चीज देखनी है दूसरी बात जीएस के अंदर ही बात करूंगा मैं ये 35 फाइव सेट रिविजन तो करनी कर रहे हैं प्लस आपको करना क्या है जो करंट अफेयर है ठीक है करंट अफेयर है देखिए करना क्या है आपको मैंने कल करंट अफेयर की एक फाइल शेयर करी थी टेलीग्राम चैनल के ऊपर जिन लोगों ने करंट अफेयर कभी पढ़े ही नहीं है ठीक है जो लोग ताजे ताजे हैं ठीक है वो उन्होंने क्या कर लेना है उसमें जनवरी से लेकर दिसंबर तक के करंट अफेयर हैं तो आप जो है जुलाई से दिसंबर तक के करंट अफेयर तो उसमें से पढ़ लीजिए जुलाई से दिसंबर तक के करंट अफेयर उनमें से पढ़ लीजिए अब कई लोगों के पास कई और जगह सोर्सेज से देखते होंगे कोई यूट्यूब से देखते होंगे कई और सोर्सेज से देखते होंगे कोई कई लोगों ने हमारा जो है पेड ग्रुप ले रखा होगा करंट अफेयर्स के लिए जो आता है ठीक है तो जहां से आपने पढ़ रखा है उसी को रिवाइज कीजिए बस मैं आपको एक चीज बताऊंगा जो आपके नोट्स बने हुए हैं जो आपके करंट अफेयर के नोट्स बने हुए हैं वो आपको लास्ट छह महीने के करंट अफेयर पढ़ लेने हैं इवन मैं ये भी कहूंगा कि जनवरी के करंट अफेयर भी पढ़ के जाना जनवरी के करंट अफेयर भी पढ़ के जाना आपको बता दूं ठीक है मतलब ये जुलाई से दिसंबर तक तो पढ़ना ही पढ़ना है प्लस जनवरी के करंट अफेयर भी आपको पढ़ लेने हैं यहां पर ठीक है मतलब लास्ट छह महीने के करंट अफेयर आपको पढ़ के जाने ही जाने हैं फॉर द इस इस चीज के लिए ठीक है अब एक चीज बताओ इसमें थर्टी फाइव सेट है नौ दिन लगे तो अप्र, अप्रोक्सीमेटली चार सेट आपको दिन में करने पड़ेंगे इसके चार सेट मतलब चार की चार की जगह के ऊपर भी मैं पांच कहूंगा क्यों क्योंकि आपको लास्ट डे तो पढ़ा नहीं जाएगा लास्ट डे तो बस आपको ऐसे लगेगा कि आता है नहीं आता है ये थोड़ी एन होती रहती है तो ये पांच जो है ये देख लेना ठीक है मतलब पांच दिन में पांच सेट एक दिन में रिवाइज करने हैं आपको करने हैं उसके बाद करंट अफेयर मैंने आपको बता दिया करंट अफेयर को ये आपका सिरदर्दी है आपको रिवाइज कैसे करने हैं ये ये करंट अफेयर जुलाई से लेके जनवरी तक कैसे कवर करने हैं मैं आपको बता दिया ये वाली चीज और मैं आपको चीज बता दूं जो मेरे से पढ़ रहा है स्टूडेंट आप में से सारी मेरे से पढ़ रहे हो जो लाइव बैठे हैं एक चीज आपको क्लियर होनी चाहिए आपको भटकना नहीं है काफ़ी चैनल्स ये भी बोलेंगे हम पाँच दिन में तैयारी करा रहे हैं हम दो दिन में तैयारी करा रहे हैं जो सीरियस स्टूडेंट है मेरा स्टूडेंट है ना वो भटकेगा नहीं मैं आपको बता दूं अगर आप थर्टी फाइव सेट पढ़ गए और ये सारी चीजें करके और ये सब चीज़ें करके जो मैं मैराथन क्लासेस की बात कर रहा हूं जो भी आपके नोट्स हैं आप अगर पढ़ गए ना इन नौ दिन में बस आप यूट्यूब से परे हट जाओ यूट्यूब से परे हट जाओ और अपना जो नोट्स आपने बना रखे हैं ना उसको रिवाइज करो डैट सेट उनको रिवाइज करना है फोकस होकर पढ़ना है कहीं इधर उधर भटकना नहीं कौन से चैनल पे क्या चल रहा है कौन से चैनल पे क्या चल रहा है नहीं देखना इवन मेरे को भी नहीं देखना आपने सिर्फ सैटरडे वाली क्लास लेकिन लेने आ जाना मैराथन क्लास दैट सेट क्लियर ये है मेरे यूट्यूब स्टूडेंट्स के लिए क्लियर हो गया आप लोगों को जी समझ आया अब आ जाओ पेड क्लासेस के लिए ठीक है जो बच्चे पेड क्लासेस के स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं बात करूंगा अभी पेड क्लासेस वालों को करना क्या है ये मैराथन क्लास तो देखनी देखनी है आपको ठीक है ये वाली मैराथन यूट्यूब प्लस पेड वाले दोनों देखेंगे जो हमारी सैटरडे को क्लास होगी तो ये लास्ट मैराथन होगी फॉर द आई एग्जाम ये पढ़ के जाना ठीक है अब एक चीज और बताता हूं आपको कि जो पेड क्लासेस वाले हैं दो तरीके के स्टूडेंट हैं मेरे पेड क्लासेस के अंदर एक तो जिन्होंने जीएस कोर्स ले रखा है ठीक है और एक एक लोग हैं जिन्होंने टेन थाउजेंड एम कोर्स ले रखा है ठीक है अब देखना करना क्या है आपको देखिए जो जीएस कोर्स वाले स्टूडेंट हैं और टेन थाउजेंड एमसीयू कोर्स वाले हैं और इवन अगर आप यूट्यूब से भी पढ़ते हैं अगर आपने जो है अपनी तैयारी खुद से भी कर रखी है ये टॉपिक्स मेरे मैं जो बोल रहा हूं उनको पढ़ के जाना और जो बच्चे ये वाले हैं पेड़ वाले ये तो पढ़ के ही जाएंगे जो मैं बोल रहा हूं ठीक है पॉलिटी के अंदर दो सब्जेक्ट आपको फोकस करके जाने हैं पॉलिटी और हिस्ट्री ये फोकस करके जाने हैं आपको ठीक है पॉलिटी के अंदर जो है आपको मेनली पार्लियामेंट को बहुत फोकस करके जाना है ये मैंने कल भी बताया था आप लोगों को वैसे ला उसमें अपने चैनल पे इंस्टाग्राम पे भी बताया था मैंने जुडिशरी का पढ़ के जाना है आपको ठीक है फंडामेंटल राइट्स पढ़ के जाने हैं आपको और फंडामेंटल ड्यूटीज और प्लस डी बस ये पढ़ के जाना ये तो आपको हंड्रेड परसेंट पढ़ के ही जाने हैं चाहे आप टेन थाउजेंड एमसी की कोर्स से पढ़ रहे हो चाहे आप जीएस कोर्स से पढ़ रहे हो ठीक है ये चार पांच टॉपिक पढ़ने हैं इवन अगर आप यूट्यूब से भी पढ़ते हो आप फ्री क्लासेस देखते हो और आपने पहले से कहीं तैयारी कर रखी है तो भाई अगर टाइम बचता है आपको पैंतीस सेट के अलावा करंट अफेयर के अलावा तो ये देख के जाना समझ आया दूसरी बात आ जाओ हिस्ट्री की हिस्ट्री के सिर्फ ऊपर आपको मॉडर्न हिस्ट्री फोकस करके जाना है मेनली ये लास्ट नौ दिन की रिवीजन की बात कर रहा हूं मैं मॉडर्न हिस्ट्री फोकस करके जाना है जो जीएस कोर्स जिन्होंने लिखा है मॉडर्न हिस्ट्री डेट सेट क्लियर अब आ जाओ टेन थाउजेंड एमसीक्यून थाउजेंड वाले जो है इसके एमसीक्यू डिस्कस कर या पढ़ के जाएंगे और इसके भी एमसीक्यू पढ़ के जाएंगे ठीक है? और टेन थाउजेंड एमसी क्यू के अंदर जो है मैंने आपको पढ़ा रखा है बेस्ट फाइव हंड्रेड आई बी एग्जाम के लिए क्वेश्चन ठीक है बेस्ट फाइव हंड्रेड आई बी एग्जाम के लिए क्वेश्चन मैंने पढ़ा रखे हैं इसके अंदर ऑलरेडी मैंने छह सेट डाले हुए हैं और मैं चार सेट जो है ना आपके जो चार सेट रह गए हैं फोर सेट रह गए हैं इसके और वो मैं आपको बारह या तेरह तक जो है उसको कंप्लीट कर दूंगा ठीक है बारह या तेरह तक चार सेट और आ जाएंगे तो मतलब ये दस के दस सेट आपको पढ़ के ही जाने हैं मैं बता रहा हूं पढ़ के ही जाने हैं ये भी पढ़ के जाने हैं ये टॉपिक्स भी पढ़ के जाने हैं एमसीक्यू कोर्स वाले ये एमसीक्यू पढ़ लेंगे बस बहुत है ठीक है और ये हिस्ट्री मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ के जाएंगे ये वाले और दूसरी बात रहेगी करंट अफेयर करंट अफेयर के लिए फंडा सबके लिए सेम है कि अगर आपको वो पीडीएफ मिल गई है मेरे टेलीग्राम चैनल से वो पीडीएफ पढ़ के जाएंगे और जिन्होंने मेरा करंट अफेयर यूट्यूब से पढ़ रखा है थाउजेंड करंट अफेयर भी मैंने आपको पढ़ा रखे हैं बेस्ट थाउजेंड करंट अफेयर पूरे के पूरे 2020 के करंट अफेयर मैंने आपको पढ़ा रखे हैं वो भी आप पढ़ के जा सकते हैं अगर आपने पहले वो पढ़ रखा है तो वो पढ़िए नई चीज़ के ऊपर बिल्कुल भी फोकस नहीं करना नहीं करना नहीं करना ठीक है मैं बता रहा हूं खास करके पेड़ वालों के लिए मैं च... ये मारनी है ठीक है ये अगर कहीं और कुछ भी पढ़ के गए सिर्फ ये चीज़ पढ़ के जानी है और जो YouTube वाले बच्चे हैं जो सीरियस स्टूडेंट हैं मेरे स्टूडेंट हैं वो जिनको मैंने बताया है कि ये पढ़ के जाना है ना तो मतलब यही पढ़ के जाना है और कुछ नहीं पढ़ना समझ आया आप लोगों को तो ये चीजों के ऊपर फोकस करके जाना और इसके बाद कुछ भी आपको बाहर नहीं आएगा मैं बता रहा हूं बस फोकस होके बिल्कुल डरना नहीं है लग जाओ नौ दिन पूरे दिन रात एक कर दो कि यार एग्जाम निकाल के करना है मैं आपको बता रहा हूं उस एग्जाम में आपको मेरी आवाज सुनेगी एग्जाम में वही चीज आएगी जो हम पढ़ रहे हैं मैं आपको बता रहा हूं बार बार ठीक है कॉन्फिडेंट होकर जाना और जो भी आपके इंग्लिश मैथ वो आपकी रिवीजन खुद की है वो मेरे को नहीं पता कि कैसे आपको रिविजन करनी है जहां जहां से आप पढ़ रहे हो जिस जिस टीचर से पढ़ रहे हो वो आपको अपना अपना बता देंगे कैसे पढ़ते हो ठीक है मेरे को उसके बारे में पता नहीं है मैं अपने जीएस के लिए बात करूंगा तो जीएस मैंने आपको सारी बता दी कि, कि, कि इस तरीके से फोकस करके जाना ठीक है दैट्स इट अब अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है अब मेरे से आप पूछ सकते हैं सिर्फ मैं दो मिनट लूंगा देन मैं अपनी क्लास स्टार्ट करूंगा और मेरे स्टूडेंट ना ऐसे स्टूडेंट हैं जो सीरियस स्टूडेंट हैं अगर वो क्वेश्चन आता भी नहीं होगा ना तब भी वो निकाल लेंगे कि आंसर इसका ये है इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपको कि यार नहीं कर देंगे हम एग्जाम में बिल्कुल करके आएंगे बहुत जो मतलब जोश रखना है आपको ये नौ दिन जोश अगर ठंडा पड़ गया ना तो मतलब आप गए अगर आपने दो महीने पिछले तैयारी कर, स्टार्ट करी थी ना दो महीने दो महीने पहले डेढ़ महीना पहले तैयारी स्टार्ट करी थी आप बिल्कुल खत्म हो जाओगे इन नौ दिन के अंदर जोश हाई रखना बिल्कुल किसी जगह पर नहीं भटकना यूट्यूब नहीं देखना कुछ नहीं देखना आपको बस अपने जो नोट्स हैं उसको रिवाइज कर दो ज्यादा पढ़ा है कम पढ़ा है बस फोकस उसके ऊपर ही करना है उसी को रिवाइज करना है नौ दिन के अंदर नई चीज मत पढ़ना मत पढ़ना मत पढ़ना मैं बार बार आपको कह रहा हूं ठीक है ठीक है जी क्लियर हो गया ठीक है ये सिर्फ मैंने आईबी स्टूडेंट्स के लिए बात करी थी बाकी जो स्टूडेंट्स होंगे बाकी जो क्लासेस होंगी वो आपकी वैसे वैसे चलती जाएंगी कल मैं आई सेट नहीं डिस्कस करूंगा बस आज आई सेट थर्टी फाइव मैंने डिस्कस करना है और इसके बाद हम कुछ नहीं डिस्कस करेंगे सिर्फ मैराथन क्लास डिस्कस करेंगे वो सब स्टूडेंट्स उसके अंदर आएंगे ठीक है एक तो ये चीज आपको बतानी थी और बस बाकी यही है रिवाइज करो ज्यादा से ज्यादा पढ़ो ठीक है अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ कोई भी किसी भी टाइप का डाउट होता है आपको तो आप मुझे जो है इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज कर देना यहां पे इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं डॉक्टर विपिन गोयल के नाम से कोई भी किसी टाइप का डाउट होता है आप मुझे यहां पे मैसेज करेंगे ठीक है और ये स्ट्रेटेजी नौ दिन के लिए अपना के जाना मत फोक इधर उधर भटकना मत मैं बार बार कह रहा हूं क्योंकि आप स्टूडेंट हो आप भटकते हो समझ आया आप स्टूडेंट हो और भटकते हो आप लोग कि हाँ कोई बोल देगा आज पांच दिन में तैयारी एक घंटे में तैयारी चार दिन में तैयारी नहीं करनी हमने चार दिन में तैयारी जो हमारी हो चुकी है उसको रिविजन करनी है समझ आया और बाकी जो है टेलीग्राम के ऊपर कुछ भी मुझे अपडेट देना होगा तो टेलीग्राम के ऊपर अपडेट आपको मिलता रहेगा यहाँ पे आप ज्वाइन कर लेना यहां पे बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं मेरे साथ एक लाख इक्कीस हजार प्लस बच्चे जुड़े हुए हैं तो आप भी आके यहां पे जुड़ सकते हैं ठीक है तो अब हम सेशन को स्टार्ट करेंगे और पढ़ना है फोकस होके आप लोगों को चलिए जी आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले आपको मैं बता दूं आपका टेन थाउजेंड एमसीक्यू कोर्स जैसे मैंने अभी आपको बताया था ये वाला इसके अंदर हमने चैप्टर वाइज जो है एमसीक्यू डिस्कस किए हैं डिटेल में ठीक है और इसके अंदर मैंने आईबी फोल्डर में जो मैंने कहा है बनाया हुआ है छह सेट ऑलरेडी आ चुके हैं और चार सेट इसके अंदर और आएंगे और बारह तारीख तक जो है बारह तेरह चौदह तक मैक्सिमम मैं उसको कंप्लीट कर दूंगा आपके दस सेट आपको रिविजन करके जाने ही जाने हैं ये वाले ठीक है और प्लस जो है इसके अंदर जो है हमारे स्टेट पीसीएस के लिए भी जो है मैं वीडियो डालने वाला हूं और आज वीडियो डलेंगी उसकी ठीक है और इसके अंदर आपको एक कूपन कोड लगाना है विपन आपको डिस्काउंट मिल जाएगा ठीक है आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और नेक्स्ट एग्जाम किसी की भी तैयारी करेंगे तो आपको ये कोर्स आपको हेल्प करेगा ही करेगा दूसरा हमारा है कोर्स जीएस कोर्स जीएस कोर्स के अंदर आपको कूपन कोड लगाना है वीआईपी 500 ये हमारा पूरा का पूरा थ्योरी कोर्स है ठीक है टॉपिक वाइज यहां पे भी, भी टॉपिक वाइज चीजें चल रही हैं आपके एमसीक्यू कोर्स के अंदर और बाकी आप इन कोर्सेज को परचेज कहां से करोगे स्टडी आईक्यू ऐप से भी कर सकते हैं आप लोग ठीक है और एक आप वेब के ऊपर भी परचेस कर सकते हैं studyiq.com से ठीक है यहां से भी परचेस कर सकते हैं दोनों में से कोई भी आप परचेस कर सकते हैं कहां से भी जो बच्चे आईओएस वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ वेब से करेंगे स्टडी आईक्यू डॉट कॉम से परचेज करेंगे जो एंड्रॉयड वाले हैं वो दोनों किसी से भी कर सकते हैं ठीक है और देख भी किसी भी सकते हैं तो आपको करेंगे क्या जैसे आप ओपन करेंगे आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा होम पेज यहां पर पे क्या दिखेगा आपको बेस्ट सेलिंग कोर्सेज यहां पर व्यू ऑल का बटन इस व्यू ऑल के बटन को दबाओगे जैसे ही दबाओगे ये वाला कोर्स जो है टेन थाउजेंड एमसी कोर्स आपको तीसरे नंबर पर दिखेगा और जीएस कोर्स आपको पांचवे छठे नंबर पर नजर आ जाएगा जो आप को कोर्स अच्छा लगता है आप परचेज करें और प्रेपरेशन आगे बढ़ाएं ठीक है तो स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन आंसर दीजिए फटाफट बिल्कुल जी पर अगर अगर देखिए मैं आपको बता रहा हूं दस आपको सेटअप पढ़ के जाने हैं मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ के जानी है पॉलिटी पढ़ के जानी है जो मैंने आपको बताई है अगर आपने आज भी परचेज करना है वो आपकी ऊपर है आपने करना है नहीं करना मैं किसी को फोर्स नहीं करूँगा ठीक है नहीं अगर देख सीधी सी बात है मैं तो आपको एक चीज जानता हूं अगर अभी एग्जाम में कुछ ना बना आपका तो वो चीज आपको आगे भी काम आनी आनी है सो तो इससे भला आप पढ़े ही लोगे तो कर सकते हो आप नौ दिन के अंदर बहुत सारी चीजें हो सकती हैं अभी भी हो सकती हैं ठीक है सो पढ़ना ध्यान से चलिए जी अगला आंसर देखिए जी फटाफट आंसर बताइए देखिए क्वेश्चन क्या कहता है सुंदरवन मैंग्रोव जो है सुंदरवन मैंग्रोव जो है आपके कौन सी स्टेट के अंदर लोकेटेड है ये आपको रखना है सुंदरबन जो, right जो है यहां पे है आपका ठीक है सो दिस इज सुंदरबन और ये डेल्टा बनता है सुंदरबन डेल्टा कौन बनाता है गंगा और ब्रह्मपुत्र गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र जो है ये डेल्टा बनाते हैं ठीक है और वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा होता है और मैंग्रोव ट्रीज़ की एक बड़ी बहुत खासियत एग्जाम्पल क्या है कि जो इनकी ट्रीज़ होती है ना वो ज़मीन में ऐसी धसी होती है ना जो जितना मर्जी पानी के ऊपर प्रेशर पड़ता रहे तो ये नहीं है, दूर नहीं है हिलती भी नहीं है ठीक है हिलती भी नहीं है और इतनी ज़्यादा ज़मीन में धँसी होती है ये कि उसके ऊपर हवा मतलब जो भी आपका साइक्लोन वगैरह आते हैं सुनामी वगैरह आती है इनके ऊपर बहुत कम असर पड़ने को देखने को मिलता है ठीक है मैंग्रोव ट्रीज़ के अंदर एक रूट्स होती हैं रूट्स के अंदर एक पोर्स होते हैं न्यूमेटोफोर्स जहां से आपके मैंग्रोव जो है आपके सांस लेते हैं निमेटोफोर से सांस लेते हैं आपके मैंग्रोव ट्रीज क्लियर आंसर इज डी बी ऑप्शन अब यहां पे गंगा और ब्रह्मपुत्र के बारे में बात करी है गंगा रिवर की जो लंबाई है वो है 2525 किलोमीटर 2525 किलोमीटर और स्टार्ट कहां से होती है ये देवप्रयाग से देवप्रयाग में मैंने आपको बताया था अलक रंदा और बागीरथी मिलते हैं और वहां से आपकी गंगा स्टार्ट होती है यानी कि उत्तराखंड से फिर जाती है यूपी में फिर ये जाती है बिहार में ठीक है और बिहार के बाद जाती है झारखंड में झारखंड के बाद जाती है आपके वेस्ट बंगाल में और एट द एंड जो है नीचे गिर जाती है यहाँ पे डेल्टा बन जाता है ब्रह्मपुत्र स्टार्ट कहाँ से होती है चैम यंग दंग ग्लेशियर से और यहाँ से ग्लेशियर से जैसे ही क्रॉस करती है ग्लेशियर से जैसे ही क्रॉस करती है चलती है चलती है चलती है आपका जो हिमालय का ईस्टर्न एंकर है डेट इज कॉल्ड नामचा बारवा नामचा बारवा ठीक है तो यहां से आपकी एंटर करती है इंडिया में अरुणाचल प्रदेश में अरुणाचल प्रदेश में जैसी एंटर करती है यहाँ पे तो यहां पे जो है आपकी आती है डेट इज इन द असम असम के अंदर यहाँ पे एक आइलैंड बनता है डेट इज कॉल्ड मजूली आइलैंड जूली आइलैंड बनता है मजूली आइलैंड जैसे ही बनता है फिर आगे चलती है और एट द एंड वेस्ट बंगाल में जाके आपका डेल्टा बना लेती है इज कॉल्ड आपका गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा तो आंसर इसमें क्या बनने वाला है आपका बी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर पश्चिम बंगाल इज द करेक्ट आंसर पश्चिम बंगाल क्लियर बी ऑप्शन बनेगा अगला आंसर बताइए जी इनमें से कौन सा सिंथेटिक डिटर्जेंट नहीं है नॉट पूछा है उसने नॉट ए सिंथेटिक डिटर्जेंट डिटर्जेंट जो होते हैं ये कहां से बनते हैं आपके पेट्रोलियम प्रोडक्ट से पेट्रोलियम प्रोडक्ट के होते हैं ये ठीक है तभी कोई भी जो भी है ग्रीस वगैरह लगी होती है तब भी ये हटा देते हैं उसको और अदरवाइज डिटर्जेंट होते क्या हैं सोडियम सॉल्ट होते हैं सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड सोडियम सोल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड देखने को आपको मिलते हैं ठीक है देखिए इसमें मैं आपको सिर्फ एक चीज बताऊंगा इसको निकालना कैसे होता है कि यहां पे सोडियम है यहां पे भी सोडियम है यहां पे देखो कोई भी सोडियम का पार्ट नहीं है ना ही सल्फोनिक एसिड का कोई पार्ट आ रहा है ठीक है ये देखो सी एच टू सी एच टू ओ एच यानी कि अल्कोहल का पार्ट आ रहा है और कुछ नहीं आ रहा यहां पर एल्कोहल नहीं है तो एल्कोहलिक तो होती ही नहीं है आपके डिटर्जेंट सो इसीलिए हम सीधा टिक करेंगे आपका डी ऑप्शन हमें नहीं पढ़ना हमें नहीं पढ़ना कि इसका नाम क्या है कुछ नहीं पढ़ना आपको एक लॉजिकल क्वेश्चन दिया है उसने तो उससे आप निकाल लेंगे

ठीक है दो एंड होते हैं हाइड्रोफोबिक हाँ। भी होता है और हाइड्रोफिलिक भी होता है पॉइंट समझ आया आप लोगों को जी बिल्कुल बिल्कुल हाइड्रोफोबिक और हाइड्रो हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक एंड होते हैं हाइड्रोफिलिक एंड ऑब्वियसली बात है वाटर लविंग होते हैं हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर रिपेलिंग मतलब जो पानी के साथ जुड़ेंगे वो आपके क्या बनेंगे हाइड्रोफिलिक जो पानी से दूर हटेंगे वो बनेंगे हाइड्रोफोबिक बनेंगे क्लियर हो गया आप लोगों को जी जी शाबाश 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 हा बिल्कुल बिल्कुल ठीक है अब क्वेश्चन यहां पे ये यह है जब मैंने आपको बताया कि ये पानी से दूर हटेंगे तो इसका मतलब क्या है कि ये जो ग्रीस होगी जो आपके कपड़ों के ऊपर ग्रीस वगैरह लगी होगी तो वो हाइड्रोफोबिक एंड से अटैच होती है है ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर हो गया आप लोगों को यस जो आपके ग्रीस वगैरह होती है वो हाइड्रोफोबिक एंड से अटैच होती है जिसके कारण वो दूर दूर करती जाती है उसको कपड़े से ग्रीस को दूर दूर करती जाती है रिपेल करती रहती है दूर दूर लेके जाती है अगला आंसर बताइए फटाफट शाबाश शाबाश आंसर बताइए क्वेश्चन देखिए क्या कहता है इनमें से कौन सी आयरन एंड स्टील प्लांट है आपका लोकेटेड है कहां पे ना तो वो जगह है आपका आयरन और एरिया है मतलब वहां पे आयरन और भी नहीं है ना ही वहां पे क्या है कोल cool वाली जगह है बट उसके मिड में आती है ध्यान से समझिए क्वेश्चन ध्यान से समझना क्या कह रहा है एक आपका आयरन और स्टील प्लांट है ना तो वो आयरन वाले एरिया पे आता है ना ही वो कोल्ड फील्ड एरिया के अंदर आता है वो इन दोनों के बीच में इन इन बिटवीन आता है क्लियर मैं अब आपको इंडिया के अंदर वो जगह बताऊंगा जहां पे आपके आयरन एंड स्टील प्लांट वहां पे जहां पे आपके कोल्ड फील्ड भी, है, जहां पे आपके भी देखने को आपको मिलते हैं, वो है जहां पे कौन-कौन सी जगह हैुलती जमशेदपुर और बोकारो सो ये है आपको एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कौन सी स्टेट में है राउरकेला है उड़ीसा में बर्नपुर है आपका वेस्ट बंगाल में दुर्गापुर है आपका वेस्ट बंगाल में ठीक है कुलती जो है ये भी वेस्ट बंगाल में जमशेदपुर जो है आपका झारखंड में और बोकारो जो है झारखंड में क्लियर सो दीज आर द इंपॉर्टेंट जहां पे आपके आयरन फील्ड भी हैं कोल फील्ड भी हैं एक चीज मैं आपको और बताता हूं अब क्वेश्चन यहां पे ये क्या बोल रहा है कि वहां पे आयरन और भी नहीं है मतलब कोल फील्ड भी नहीं है अब वहां पर ऑप्शन में हमने जमशेदपुर पढ़ा था ये तो ऑप्शन गलत हो गया कि यहां पे तो आयरन और भी है कोल फील्ड भी है भद्रावती जो है आपका ये नहीं हमने पढ़ा ठीक है दुर्गापुर हमने पढ़ा था तो ये भी नहीं होगा बोकारो भी हमने पढ़ा था ये भी नहीं होगा तो इसका आंसर क्या बनेगा आपका बी बनेगा राइट right आंसर भद्रावती इज द करेक्ट वन समझ आया समझ आया जी भद्रावती इज द भद्रावती पढ़ा है शायद एक सेकंड एक सेकंड ओके यहां पे एक चीज ध्यान रख लेना ये एक चीज ध्यान रख लेना इंपॉर्टेंट है ये वाली चीज ये गलत है ये ऑप्शन गलत है एक सेकंड इट्स नॉट भद्रावती इट्स जमशेदपुर एक्चुअली इट्स जमशेदपुर ये भद्रावती में भी है आपका ठीक है भद्रावती में भी आपका एरिया है देखने को आपको मिलता है जी इसका ए ऑप्शन बनेगा नहीं नहीं बी नहीं बनेगा ए ऑप्शन बनेगा इसको ध्यान रखिए इसमें ए ऑप्शन बनेगा इसको ए को करेक्ट कीजिए इसको ए को करेक्ट कीजिए बिल्कुल ए को करेक्ट कीजिए जी आप लोग हाँ 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 जो बद्रावती है ना बद्रावती जो है आपका बद्रावती जो है आपका राइट आंसर बनेगा भद्रावती जो है कर्नाटक कर्नाटक के अंदर है यहां पे आपकी आयरन कोल्ड है आयरन फील्ड तो देखने को मिलती है ये करेक्ट कीजिए बद्रावती में कर्नाटक के अंदर आयरन फील्ड देखने को आपको मिलती है जहां पे आपका जमशेदपुर वाला जगह है वहां पे ना तो आयरन देखने को मिलता है ना ही कोल देखने को मिलता है बद्रावती जो है आयरन फील्ड है वहां पे कर्नाटक में है आयरन फील्ड है वहां पे जी जी ए ही होगा बिल्कुल ए ही होगा बिल्कुल ए होगा समझ आया ए होगा बिल्कुल ए होगा बिल्कुल ए होगा मैं बार बार कह रहा हूं बिल्कुल ए होगा जी 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 ए ऑप्शन बनेगा ना तो वहां पे आयरन फील्ड है ना ही वहां पे कोल्ड फील्ड है आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा ये आपको जगह मैंने आपको बता दी अगर आपको याद होगा सेकंड फाइव ईयर प्लान दूसरी पंचवर्षीय योजना सेकंड फाइव ईयर प्लान कहां कब लगा था आपका फिफ्टी से सिक्सटी और यहां पे हमने फोकस किसके ऊपर किया था इंडस्ट्रीज के ऊपर फोकस किया था कहां पे इंडस्ट्रीज के ऊपर हमने फोकस किया था यहां पे ठीक है और यहां पे हमारी इसका प्लान कौन सा था महल नोबिस प्लान नेहरू महल नोबिस मॉडल था नेहरू मेलनोबिस मॉडल जो आपका बात करता था इंडस्ट्रीज के ऊपर फोकस करने के लिए और यहां पे हमारी तीन फैक्ट्री लगी थी आयरन एंड स्टील प्लांट की एक तो लिखा था राउर किला के अंदर राउर किला के अंदर जो लगाई थी वो वेस्ट जर्मनी ने लगाई थी ठीक है वेस्ट जर्मनी ने लगाई थी आपकी हेल्प से दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में लगाई गई थी और ब्रिटेन की हेल्प से लगाई गई थी क्लियर और एक लगाई थी बिलाई बिलाई आयरन एंड स्टील प्लांट जो छत्तीसगढ़ में लगा था किसकी मदद से रशिया की मदद से रशिया उस टाइम पे क्या था यूएसएसआर ये तीन आपके आयरन एंड स्टील प्लांट लगाए गए थे सेकंड फाइव ईयर प्लान में ये आपको ध्यान रखना है समझ आया आप लोगों को जी जी बिल्कुल ठीक है और ये मेहलॉबिस कौन है हलॉबिस जिनकी बर्थ एनिवर्सरी के ऊपर हम हम क्या पढ़ते हैं इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट इन्होंने स्टार्ट किया था इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट केंद्र भारतीय संघ की संगठन जो है इन्होंने स्टार्ट किया था कहाँ पे कोलकाता में इसका इंस्टीट्यूट है मतलब हेडक्वाटर है और महल नॉबिस के बर्थ एनिवर्सरी होती है उनतीस जून को जब हम सेलिब्रेट करते हैं आपका नेशनल स्टैटिस्टिकल डे नेशनल स्टैटिस्टिकल डे ये भी आपको ध्यान रखना है ठीक है राष्ट्रीय की दिवस तो ये आपको क्लियर होने चाहिए सारी चीजें चलिए अगला क्वेश्चन देखिए जी क्या कहता है जल्दी से जल्दी बताइए इसका क्वेश्चन क्या बनेगा जल्दी से जल्दी आंसर बताइए फटाफट फड़ क्या बनेगा क्वेश्चन देखिए जी क्या कहते हैं इनमें से आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन से हैं इसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या है जिसमें सारे के सारे इलेक्ट्रॉन होंगे ठीक है देखिए जब भी आपका ये पॉजिटिव नेगेटिव का पॉइंट होता है ना जैसे ऊपर पॉजिटिव है तो कैटाइन होता है जैसे टू पॉजिटिव है कैटाइन है इसका मतलब ये क्या कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है यानी कि इसका जो अटोमिक नंबर होगा वो कम हो जाएगा अगर ये लूज करेगा अगर वहां पर नेगेटिव है तो मतलब इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है वो समझ आया आप लोगों को ये ध्यान रखना है ये दो वर्ड्स आपको पता होने चाहिए पॉजिटिव का मतलब लूज कर रहा है नेगेटिव का मतलब गेन कर रहा है अब एक चीज देखिए आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब जिसमें सारे इलेक्ट्रॉन सेम होंगे आइसो मतलब सेम इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन अब एक चीज बताओ मैग्नीशियम का टॉमिक नंबर कितना होता है बारह ठीक है और आर्गन का अठारह अब यहां पे इसमें तो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी नहीं है तो ये तो अठारह ही रहेगा ये पॉजिटिव आ गया टू तो इसका मतलब माइनस करेंगे दो तो इसका मतलब ये कितना रह गया दस रह जाएगा तो दस और अठारह ये आपका पॉइंट गलत हो गया ठीक है अब आ जाओ सोडियम के ऊपर सोडियम का टॉमिक नंबर कितना होता है ग्यारह ऑक्सीजन का कितना होता है आठ यहां पे दो माइनस में है तो यहां पे दो पॉजिटिव लगाएंगे और यहां पे प्लस में है तो यहां पे माइनस वन लगाएंगे तो एक इतना ये दस हो गया ये आपका दस हो गया तो मतलब यहां पे इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं सेम है ये बनेगा बी ऑप्शन इज द राइट आंसर बी ऑप्शन क्या बनेगा राइट आंसर बनेगा अल्मीनियम के ऊपर अगर हम बात करते हैं अल्मीनियम के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो अल्मीनियम क्या होता है तेरह क्लोरीन का कितना होता है सत्रह यहां पे माइनस वन है प्लस वन करेंगे तो अठारह यहां पे थ्री पॉजिटिव होता है तो मतलब तीन माइनस करेंगे तो कितना रह जाएगा दस तो ये भी नहीं बनेगा पोटाशियम और नियॉन पोटाशियम का कितना होता है उन्नीस पोटासियम का कितना होता है उन्नीस ठीक है और नियॉन का कितना होता है दस इसके ऊपर कोई भी आपका प्लस माइनस नहीं है तो ये दस ही रहेगा और यहाँ पे प्लस है तो माइनस वन करेंगे अट्ठारह तो इसका मतलब ये भी नहीं बनेगा तो इसका मतलब सब इलेक्ट्रॉनिक जो है स, uh, सम इलेक्ट्रॉनिक मतलब जहां पे इलेक्ट्रॉन सेम है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर समझ आया आप लोगों को जी, बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर सोडियम पॉजिटिव एंड ओ टू नेगेटिव चलिए जी अगला आंसर बताइए <coughs> इनमें से ऐसी कौन सी इंडस्ट्री है जहां पे आपका बॉक्साइड जो है बॉक्साइड जो है एज ए प्रिंसिपल रॉ मटेरियल यूज किया जाता है बॉक्साइड जो है आपका प्रिंसिपल जो है यूज किया जाता है मटेरियल है रॉ जाता सी है, है कौन सी एल्यूमिनियम की ओर है तो ऑप्शन और और भी, भी है ठीक है अब अल्मीनियम जो है अर्थ क्रस्ट के अंदर धरती के अंदर मिलने वाला सबसे ज्यादा मेटल ज्यादा है क्रस्ट के अंदर मेटल सबसे ज्यादा पूछा धातु सबसे ज्यादा कौन सी मिलती है तो एल्यूनियम इज द करेक्ट आंसर अब क्वेश्चन अगर ये पूछ ले कि अर्थ क्रस्ट में एलिमेंटल फॉर्म में सबसे ज्यादा क्या मिलता है एलिमेंटल फॉर्म में सबसे ज्यादा क्या मिलता है पहले ऑक्सीजन मिलती है देन सिलिकॉन मिलता है देन मिलता है और चौथे नंबर पे आयरन मिलता है क्लियर हो गया अगर वो पूछता है धातु मेटल तो आपका आंसर क्या बनेगा आपका एल्यूमिनियम बनेगा और दूसरी बड़ी धातु कौन सी मिलती है आपको आयरन मिलती है ये चीज ध्यान रखना अगर वो एलिमेंटल फॉर्म में पूछेगा तो आपका आंसर क्या बनेगा ऑक्सीजन बनेगा क्लियर याद रखिए मेंट जो है आपका <coughs> सीमेंट किस चीज से बनता है सीमेंट बनता है लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट जिसे हम कहते हैं और प्लस क्ले से बनता है प्लस क्ले से बनता है और सीमेंट के अंदर हम क्या डालते हैं जिप्सम भी डाला जाता है जिप्सम जिप्सम और क्यों डाला जाता है सीमेंट के अंदर जिप्सम इसीलिए डाला जाता है क्योंकि यह सीमेंट को जमने नहीं देता मतलब लेट जमाता है जमने नहीं देना जब लेट जमाने का मतलब क्या हो गया कि उसका सेटिंग रिएक्शन को उसने क्या कर दिया धीरे ध्यान से सामाना सेटिंग रिएक्शन को वो क्या कर रहा है आपका सेटिंग रिएक्शन को क्या कर रहा है कम कर रहा है लेस कर रहा है और सेटिंग टाइम को क्या कर रहा है वो बढ़ा रहा है सेटिंग टाइम को क्या कर रहा है वो इंक्रीज कर रहा है कौन जिप्सम कर रहा है अब सीमेंट के साथ दो तीन चीजें और जुड़ी हुई हैं वो आपको याद करनी है हाँ समझ आ रहा है आप लोगों को यस और एक चीज देखिए सीमेंट के साथ जुड़ी हुई है चीजें क्या जब आपका सैंड होता है प्लस सीमेंट होता है रेत सीमेंट और वॉटर अगर ये तीनों मिल जाते हैं ये अगर तीनों मिल जाते हैं जैसे आपका घर बनाता है तो वो लेबर इकट्ठा एक एक करता है ना गली के अंदर बाहर रख के ये सीमेंट को रेत को और पानी को ये जो बनाता है जिसे हम कहते हैं घोल सा बना रहा है वो घोल होता क्या है डेट इज कॉल्ड मोटार क्या होता है वो मोटार कहते हैं उसको क्या कहते हैं हम उसको मोटार कहा जाता है क्लियर हो गया आप लोगों को अब अगर देखा जाए जैसे आपके घर में फर्श लगता है तो क्या करता है वो ये सारा घोल लगाता है मोटार लगाता है मोटार के साथ जो है स्टोन लगाते हैं नीचे स्टोन लगे होते हैं अगर मैं कहूं यहां पे स्टोन चिप लगा दिए उसने स्टोन चिप्स भी लगा दिए उसने मोटार प्लस स्टोन चिप्स तो वो क्या बना लेता है ग्रेवल क्या बनाता है वो ग्रेवल बना देता है समझ आया वो क्या बना लेता है ग्रेवल बनाता है मतलब जो आपका फर्श लगा होता है उसे हम ग्रेवल कहते हैं अगर उसमें मोटार प्लस स्टोन चिप्स लगे हुए हैं अब अगर मैं कहूं कि ग्रेवल है वो <सक्थ> अगर मैं कहूं ग्रेवल है मतलब स्टोन चिप्स भी लगे हुए हैं और आपके ये वगैरह वाला पार्ट भी है लेंटर डला है आरसीसी का जो घर में छत डलती है ना वो क्या होता है ये ग्रेवल डलता है और स्टील बार्स लगती हैं जिसे हम कहते हैं रीन सीमेंट कहा जाता है क्या कहते हैं हम उसको जी री सीमेंट कहा जाता है क्लियर हो गया आप लोगों को समझ आया अच्छा यार एक चीज एक चीज ध्यान रखना यहां पे ना एक नाम एक सेकंड रुकिए स्टोन चिप्स को हम ग्रेवल ही कहते हैं स्टोन चिप्स को हम ग्रेवल कहते हैं मोटार स्टोन चिप्स ग्रेवल अगर मिलते हैं तो क्या बनता है कॉन्क्रीट बनता है कॉन्क्रीट बनता है ठीक है और कॉन्क्रीट को कॉन्क्रीट को अगर हम मिक्स करते हैं एक सेकेंड रुकी ठीक है ये ग्रेवल ही होता है हाँ, ये ग्रेवल ही होता है और ये क्या बना देता है कंक्रीट बना देता है यानी कि ये इक्वल टू कंक्रीट और कंक्रीट अगर हमारा स्टील बार से मिलते हैं तो डेट इज आर सी सी का लंक्टर डलता है ये आपको ध्यान रखना है समझ आया आप लोगों को जी <coughs> तो ये आपको ध्यान रखना है क्लियर फर्टिलाइजर के लिए मैंने आपको एक रेवोल्यूशन बताया था कौन सा ग्रे रेवोल्यूशन याद रखिए फेरो मैग्नेटिक सब्सटांस वो होते हैं जहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड वो बहुत जल्दी एक्वायर कर लेता है वो तीन चीजें होती हैं आयरन कोबाल्ट निकिल ये आपके फेरो मैग्नेट सबस्टांस होते हैं और एक चीज मैं आपको एक चीज और बता दूं कि अगर मैं कहूं कि मैंने लोहे को लोहे को मैंने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करी इलेक्ट्रिक फील्ड दी वो जल्दी से जल्दी मैग्नेट बन जाएगा जल्दी से जल्दी मैग्नेट बन जाएगा कोबाल्ट को अगर मैंने कोबाल्ट को अगर मैंने इलेक्ट्रिसिटी दी तो वो देर लगाएगा मैग्नेट बनने में टाइम बहुत लगाएगा लेकिन जैसे ही मैंने इलेक्ट्रिसिटी बंद करी ध्यान से समझना अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी दे रहा हूं दोनों को आयरन को भी कोबाल्ट को भी आयरन फटाफट फुली मैग्नेटाइज हो जाएगा लेकिन कोबाल्ट टाइम लेगा होने में लेकिन अगर मैंने इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दी तो जो भी आपकी मैग्नेटिक फील्ड उसने मैग्नेट्स बना हुआ है कौन लोहा आयरन लोहा जो है आपका मैग्नेट बना हुआ है वो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी तुरंत छोड़ देगा उसी टाइम छोड़ देगा ठीक है मतलब जल्दी भी एकर किया और जल्दी भी छोड़ दिया लेकिन कोबाल्ट का सीन क्या होता है कोबाल्ट जो है वो देर लगाता है एक्वायर करने में मैग्नेटिक फील्ड अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी बंद भी कर दी है इलेक्ट्रिक फील्ड बंद भी कर दी है फिर भी उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म नहीं होगी किसकी कोबाल्ट की ध्यान रखना बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जहां पे आपको जो है गड़बड़ हो जाती है समझ आया सो so आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर ये आपको पता होने चाहिए सीमेंट वगैरह के क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं जैसे पोर्टलैंड सीमेंट वगैरह पूछ लिया जाता है तो लाइम और सिलिका देखने को आपको मिलता है ये सिलिका पूछा जाता है पेपर में सिलिका होता क्या है दैट इज कॉल्ड डाइऑक्साइड क्लियर लाइम क्या होता है सीएओ तो सबसे ज्यादा लाइम और सिलिका देखने को आपको मिलता है किसके अंदर पोर्टलैंड सीमेंट के अंदर क्लियर चलिए जी आगे देखते हैं अगला आंसर बताइए अगला आंसर बताइए शाबाश अगला आंसर देखिए जी क्या है कौन सा इंडियन बिजनेसमैन है जिसने फेवर किया था कैपिटलिज्म इन हेल्पिंग टू वर्क ए कॉमन ऑब्जेक्ट क्वेश्चन ध्यान से समझिए क्या कह रहे हैं गांधी जी ने एक लेटर भी लिखा था ठाकुर दास जी को भी लिखा था वल्लभ भाई पटेल जी को भी लिखा था राजेंद्र प्रसाद राजेंद्र प्रसाद जी को भी लिखा था हां हमारे देश में ऐसा नहीं है कि सोशलिज्म ही होना चाहिए हमारे देश में एक हेल्दी कैपिटलिज्म भी होना चाहिए ये गांधी जी ने बोला था ध्यान समझना ये गांधी जी ने बोला था कि हेल्दी कैपिटलिज्म होना चाहिए हेल्दी कैपिटलिज्म का मतलब क्या होता है प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए आपके देश में प्राइवेट लोगों के पास भी चीजें होनी चाहिए इससे क्या होता है जो सरकार है ना सरकार ढीली नहीं पड़ती सरकार भी जो है पूरे लगन से काम करती है क्योंकि जो कैपिटलिस्ट कंट्रीज होती हैं कैपिटलिज्म वर्ड का मतलब क्या है कि प्राइवेट लोगों ने प्रॉफिट कमाना है तो इससे क्या होगा मार्केट में एक कॉम्पिटिशन बना रहेगा सरकार भी कुछ ना कुछ करती रहेगी लोगों के लिए और कैपिटलिज्मेवर so, तो तो किया था गांधी अब एक आपको याद था, फिकी।, फिकी याद करवाया था फिकी जो बना था नाइनटीन ट्वेंटी सेवन में बना था उन्नीस सौ सताईस में बना था क्लियर हो गया आप लोगों को फिकी कब बना था नाइनटीन 1927 में बना था क्लियर जी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स इसे आप कहते हैं 27 में बना था इसका आइडिया किसने दिया था गांधी जी ने दिया था लेकिन इसको बनाया किसने था घनश्याम दास बिरला जीडी बिरला और पुरुषोत्तम दास ने पुरुषोत्तम दास ने बनाया था क्लियर क्या फिक्की बनाया था दिस इज इंपॉर्टेंट पार्ट फिक्की किसकी रिकमेंडेशन से बना गांधी जी की किसने बनाया 27 में बना था जीडी बिरला और पुरुषोत्तम दास के कहने पे ये मतलब इन्होंने बनाया आपका फिक्की बनाया तो so आंसर इसमें क्या बनेगा आपका वन ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर वन ऑप्शन इज द राइट वन वन ऑप्शन क्लियर याद रखना ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए समझ आया जी करें आगे चलिए जी आगे डिस्कस करते हैं अगला बताइए 2011 का जो सेंसस था 2011 का सेंसस था जहां पे आपका माइग्रेशन कंट्रीब्यूट कर रहा था पॉपुलेशन के अंदर पॉपुलेशन मूवमेंट के अंदर इंडिया के अंदर वो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कौन सी माइग्रेट हुई है हमारे देश में 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग ठीक है देखिए सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन आपकी ट्रांसफर हुई है माइग्रेशन का मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक जाना वो मेनली जो है आपकी हुई है रूरल टू रूरल आपको लगता होगा इसका आंसर कोई और है लेकिन गांव से गांव जो है सबसे ज़्यादा लोग ट्रांसफर हुए हैं शादियां कर लो शादियां लगा लो काम के लिए लगा लो किसी भी चीज़ के लिए लगा सकते हो तो रूरल टू तो रूरल जो है 2011 सेंसिस के अंदर मैक्सिमम पॉपुलेशन गांव से गांव ही गई है दूसरे नंबर पर आपके गाँव से शहरों में और तीसरे नंबर के ऊपर जो है आपका शहरों से गाँव में वापिस आए हैं समझ आया आप लोगों को जी 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 बिल्कुल समझ आया सी ए ए ऑप्शन बनेगा भाई ए ऑप्शन बनेगा नॉट सी ए ऑप्शन बनेगा ए ऑप्शन बनेगा सबसे ज्यादा जो गांव में लोग ट्रांसफर हुए हैं वो गांव से गांव में ट्रांसफर हुए हैं और ये जो है अकाउंटेंसी कितनी थी आपकी 53.84 जो है आपकी अप्रॉक्सीमेटली इतने परसेंट लोग जो हैं गाँव से गाँव ही गए हैं गाँव से गाँव ही गए हैं आपका आंसर क्या बनेगा आपका ए ऑप्शन बनेगा दूसरे नंबर पर क्या थे आपके रूरल टू अर्बन और तीसरे नंबर पर क्या थे आपके अर्बन टू अर्बन तीसरे नंबर पे थे आपके अर्बन टू अर्बन समझ आया आप लोगों को ध्यान रखना ध्यान रखना ये चीज क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए गांव से गांव गए हैं आपके रूरल टू रूरल इतने लोग और दूसरे नंबर पे गए हैं गांव से शहरों में और तीसरे नंबर से पे गए हैं शहरों से शहरों में क्लियर अगला बताइए द आर्ट पीस इन मेमोरियन ये क्रिएशन है किस यूरोपियन पेंटर की किस यूरोपियन पेंटर की ये क्रिएशन है ये बताइए फटाफट ये बिल्कुल जी जो आपकी अठारह का जो रिवोल्ट हुआ था उस टाइम पे जो अंग्रेजों की बीवियां होती थी लड़कियां होती थी उनकी क्या हालत थी तो ये जो है उस यूरोपियन पेंटर ने इस चीज को क्रिएट किया था और ये किसने क्रिएट किया था जॉसफ नोएल पैटॉन ने इसको क्रिएट किया था आंसर इसमें क्या बनेगा बी ऑप्शन बनेगा जोसफ जो क्रिएट जो किया था तो 1857 के रिवोल्ट में अंग्रेजों की जो बीवियां उनकी क्या हालत थी उस टाइम पे तो ये उसके लिए पिक्चर थी क्लियर हो गया आप लोगों को आंसर इसमें क्या बनने वाला है आपका बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट वन बी ऑप्शन नेक्स्ट बताइए सबसे ज्यादा सोयाबीन जो है हमारे इंडिया में आपको मिलती है सोयाबीन सोयाबीन किसके अंदर कहां पे देखने को आपको मिलती है सबसे ज्यादा तो वो है आपका कौन सा पार्ट डेट इज द मध्य प्रदेश वाला पार्ट आंसर इसमें क्या बनेगा बी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश में एक माइंस है पन्ना माइंस ध्यान रखना पन्ना माइंस किसके लिए फेमस है डायमंड के लिए और डायमंड जो है आपका नेचुरल हार्डेस्ट है नेचुरल हार्डेस्ट सब है सबसे कठोर सब है ये वाला और एक चीज आपको बताता हूँ पन्ना टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क भी है आपका कहां पर मध्य प्रदेश पन्ना को जो है बायोस्फीयर यूनेस्को की हेरिटेज साइट्स में यूनेस्को की जो है बायोस्फीयर रिजर्व की कैटेगरी में मैन एंड बायोस्फेयर की कैटेगरी के अंदर डाला गया था अभी तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर बी ऑप्शन इज अ करेक्ट वन क्लियर मध्य प्रदेश के बाद कर्नाटक में देखने को आपको मिल जाता है ये ठीक सॉरी नॉट कर्नाटक महाराष्ट्र मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में देखने को आपको मिलता है और सोयाबीन के अंदर सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है प्रोटीन ज्यादा होता है इनमें प्रोटीन ठीक है और प्रोटीन किसके बने होते हैं कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन के नाइट्रोजन इज द इसेंशियल एलिमेंट फॉर प्रोटीन अगला बताइए इनमें से जो है आपका कौन सी चीज जो है इंसुलेटर होती है चार्ज एन इंसुलेटर मतलब इंसुलेटर को भी चार्ज कर सकती है जल्दी से जल्दी बताइए इंसुलेटर वर्ड का मतलब क्या होता है इंसुलेटर वर्ड का मतलब ये होता है कि जिसमें करंट जो है आपका पास नहीं कर सकता इलेक्ट्रिक करंट जो है आपका पास नहीं कर सकता उसको हम इंसुलेटर बोलते हैं जैसे रबड़ हो गया लकड़ी हो गया इस तरीके से लेकिन बात यह है कि आपके इंसुलेटर की तरह जो है उसको चार्ज भी कर सकता है वो कौन सी चीज है आप देखिए कभी कभी आप ना किसी दीवार पे हाथ लगाते हैं तो आपको हल्का सा झटका सा फील होता है किसी गेट के ऊपर हाथ लगाते हैं तो आपको झटका सा महसूस हो रहा है कई बार आप पेन को टच करते हो तो उसमें भी आपको कई बार झटका सा फील होता है तो वो करंट होता है वो करंट कौन सा होता है आपका तो स्टैटिक करंट तो स्टैटिक करंट जो है चार्ज कर सकता है किसी भी चीज को तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर समझ आया आप लोगों को स्टैटिक करंट इज़ करेक्ट वन आंसर इसमें इज़ बी ऑप्शन क्या होता है लेजिस्लेटिव मतलब होता है कानून बनाना कानून बनाने की पावर जो है आपकी इनमें से राष्ट्रपति की कौन सी जगह पे देखने को आपको मिलती है कौन सी पावर है इसमें देखने को आपको मिल रही है लेजिस्लेटिव पावर है प्रेसिडेंट की टू समन द सेशन ऑफ द पार्लियामेंट यह बिल्कुल आपकी पार्लियामेंट की क्या है डेट इज द जो है लेजिस्लेटिव पावर होती है समन का मतलब होता है बुलाना किसी भी सेशन के अंदर लोकसभा राजस् को बुलाना तो यह पॉइंट सही है टू प्रोरोट द सेशन ऑफ पार्लियामेंट प्रोरोगेट का मतलब खत्म करना डेड मतलब इसको सेशन को बंद कर देना यह भी उसके लेजिस्लेटिव पावर में आता है टू अर्जर्न द मीटिंग ऑफ द पार्लियामेंट अर्जन तो सिर्फ कौन कर सकता है चेयरमैन कर सकता है और राष्ट्रपति चेयरमैन नहीं होता किसी भी चीज का ठीक है चेयरमैन करता है मतलब स्थगित करना किसी टाइम के लिए स्थगित कर देना रोक देना तो ये उसकी पावर नहीं आती टू तो प्रोमोगेट ऑर्डिनेंस और, यानी कि ऑर्डिनेंस को इश्यू करवाना ये भी उसकी लेजिस्लेटिव पावर में आता है ठीक है मतलब ए ए बी और डी ये तीनों की तीनों पावर क्या है उसकी लेजिस्टेटिव पावर है या तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत लिखा गया है जहां यहां पे नॉट पूछा जा सकता है तो नॉट में आपका सी बन जाएगा अगर आपके पूछा लेजिटिव पावर कौन सी है तो ए बी डी बनेगा इसका ऑप्शन ध्यान रखना अगर उसने ए बी डी पूछा है मतलब उसने लेजिटिव पावर पूछा है तो ए बी डी बन जाएगा अगर यहां पे क्वेश्चन होता है कौन सी पावर नहीं है तो आपका सी ऑप्शन बन जाता क्लियर हो गया आप लोगों को अब क्वेश्चन यहां पे एक और चीज देखनी है क्या

कितनी देर तक लग सकता है छ महीने प्लस छ हफ्ते क्लियर ये मैक्सिमम टाइम होता है लेकिन मिनिमम कितने टाइम लगेगा छह महीने के लिए अब होता क्या है ऑर्डिनेंस तब लगता है जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती कोई सेशन नहीं चल रहा और राष्ट्रपति को लगे कि हां ये कानून बनना चाहिए इस टाइम पे सेशन तो चल ही नहीं रहा तो कानून लगाना है हमने तो वो ऑर्डिनेंस इश्यू करके लगवा सकता है आर्टिकल एक के अकॉर्डिंग क्लियर सीधा का सीधा कानून एग्जीक्यूटिव लॉ है लेकिन पावर कौन सी है लेजिसलेटिव पावर है क्लियर हो गया आप लोगों को छह महीने के लिए लगेगा छह महीने के बाद पार्लियामेंट को लगे कि यह कानून बनना चाहिए तो छह हफ्तों के अंदर उसकी कार्रवाई की जाती है और छह हफ्तों के अंदर अंदर उसको प्रॉपर तरीके से एक्ट बना के हम लगा सकते हैं अगर पार्लियामेंट को लगे कि हाँ नहीं लगना चाहिए तो छह महीने के बाद ऑर्डिनेंस अपने आप खत्म हो जाएगी क्लियर यह आपको ध्यान रखना है और आंसर इसमें क्या बनेगा आपका जो भी है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको चेंज कर लेना है चलिए जी अगला आंसर बताइए अगला आंसर बताइए फटाफट क्वेश्चन क्या कहता है फटाफट बताओ जी क्वेश्चन है द नोटेड फ्रीडम फाइटर शहीद लक्ष्मण नायक बिलोंग टू कौन सी जगह से बिलोंग करते हैं बिल्कुल ये एक ट्राइब है भूयन ट्राइब भूयन ट्राइब जो है यहां से बिलोंग करते हैं भूयन ट्राइब से ये बिलोंग करते हैं कौन शहीद लक्ष्मण नायक जी और ये कौन सी कौन सी स्टेट से हैं उड़ीसा स्टेट से हैं आंसर इसमें क्या बनेगा आपका डी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर डी ऑप्शन इज अ करेक्ट वन क्लियर हो गया आप लोगों को डी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर उड़ीसा के अंदर आपको पता है क्या है भितरकानी का नेशनल पार्क है यहाँ पे चिली का लेक भी है चिली का लेक जो है आपकी यहाँ पे क्या होती है मास नेस्टिंग होती है किसकी मास नेस्टिंग होती है मास नेस्टिंग होती है किसकी ऑलिव रिडले टर्टल की कहां से आते हैं वो साइबेरिया से रशिया से ऑलिव रिडले टर्टल छत्तीसगढ़ की बात करें हैं, तो कांगेड़ वैली नेशनल पार्क यहाँ पे देखने को आपको मिलता है कांगेड़ वैली क्लियर गुजरात के अंदर एक नेशनल पार्क है गिर नेशनल पार्क जो आपका एशिएटिक लाइन्स के लिए बड़ा फेमस है एशिया के लाइन्स के लिए बड़ा फेमस है उत्तर प्रदेश में आपका नरोड़ा जो है न्यूक्लो पावर स्टेशन भी है दुधवा नेशनल पार्क भी है पीलीभीत टाइगर रिजर्व भी है यहाँ पे पीलीभीत टाइगर रिजर्व भी है यहाँ पे ठीक है ये याद करना है आपको आंसर इसमें क्या बनेगा आपका डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर उड़ीसा इज द राइट वन उड़ीसा चलिए जी अगला बताइए अगला आंसर बताइए फटाफट क्वेश्चन क्या कह रहा है हेलेस कॉमेट कब देखने को आपको मिलता है सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन हमें थोड़ा सा याद क्या रखना है कॉमेट और, और स्टार्स के बीच में डिफरेंस क्या होता है कॉमेट्स और स्टार्स के बीच में क्या होता है स्टार्स क्या होते हैं है? सेल्फ ल्यूमिनस बॉडी सेल्फ ल्यूमिनस बॉडी इसका मतलब क्या होता है जो आपकी खुद लाइट दे खुद लाइट दें जो फिल्म स्टार कहते हैं ना जैसे ही वो जाते हैं इनका और ऐसे होता है कि चमकती है सब चीजें सब लोग इसके इनके पीछे पीछे ठीक है तो स्टार्स क्या होते हैं सेल्फ ल्यूमिनस बॉडी होते हैं और ये बने किसके होते हैं हाइड्रोजन के और इसके पास एनर्जी कहाँ से आती है हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिलते रहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन नाभिकिया संलयन से एनर्जी पैदा होती है स्टार्स के अंदर क्लियर और ये हॉट ऑब्जेक्ट होते हैं हॉट इसलिए होंगे इसीलिए होंगे क्योंकि भाई एनर्जी आ रही है खुद रिएक्शन कर रहे हैं फ्यूजन कर रहे हैं लेकिन जो कॉमेंट होते हैं ये क्या होते हैं फ्रोजन बॉडीज ठंडे फ्रोजन बॉडीज होती हैं, क्लियर फ्रोजन बॉडीज होती हैं, ठंडे होते हैं ये अब क्या होता है कि कॉमेट्स क्या करते हैं जब आपके सन की तरफ जा रहे होते हैं ना ऑब्वियसली ठंडी है तो सन इतना गर्म है वो आगे से आगे क्या होता जाएगा वो मतलब पिघलता जाएगा और आपको ऐसे लगेगा कि पीछे एक टेल बनती चली जा रही है मतलब एक आपको ऐसे लाइन देखने को आपको मिलेगी ठीक है वो लाइन एक्चुअली क्या है कि ये जो कॉमेट है वो पिघलता चला जा रहा है और पीछे पीछे आपको पूछ बनती चली जा रही है टेल आपको नजर आती जाएगी तो डेट इज कॉल्ड डेट इज कॉल्ड कॉमेट अब हेलिस कॉमेट जो है हेलिस ने ढूंढा था छिहत्तर साल बाद आता है 76 ईयर बाद आता है तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका? D बनेगा, right समझ आया? D बनेगा, डाल देना आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा जाने की हमें दो हजार इकसठ बासठ के आसपास देखने को आपको मिलेगा तो ये बनेगा जी आपका डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर डी ऑप्शन चलिए अगला आंसर बताइए <coughs> अगला आंसर बताइए फटाफट शाबाश हु सर्टिफाइज द मनी बिल हु हुटिफाइज द मनी बिल मनी बिल क्या होता है एक बिल है बिल क्या होता है एक प्रपोजल लेकिन मनी बिल में बिल और मनी बिल में डिफरेंस क्या होता है कि एक बिल के ऊपर अगर स्पीकर साइन कर दे वो हमेशा आपका क्या बन जाएगा बिल मनी बिल बन जाएगा स्पीकर के जब तक साइन नहीं होंगे तब तक वो मनी बिल कहलाएगा नहीं लेकिन मनी बिल को लेके आने के लिए परमिशन कहां से लेनी पड़ती है हमें प्रेसिडेंट से परमिशन लेनी पड़ती है ये बिल हमेशा पहले कहां पे आता है लोकसभा में आता है और ये बिल की अवधि होती है चौदह दिन चौदह दिन के अंदर अंदर पास करना जरूरी होता है लोकसभा की फुली पावर होती है मनी बिल के केस में यह बिल राज्यसभा को दिखाया तो जाता है लेकिन राज्यसभा की कोई पावर इसमें नहीं होती राज्यसभा अगर इसके अंदर कुछ चेंज करते हैं तो लोकसभा की मर्जी होती है इस चीज को माने या ना माने ठीक है इसको माने या ना माने और अगर राज्यसभा ने चौदह दिन के लिए पास अपने पास ही रख रखा है उसको कि आपका चौदह दिन की अवधि है तो यह बिल ऑटोमेटिकली पास माना जाता है यह ध्यान रखना राज्यसभा की कोई पावर नहीं है मनी बिल के केस में और इसके अंदर जो है कौन कौन सी चीजें लिखी होती हैं एक तो लिखा होता है टैक्स लगाया घटाया बढ़ाया कुछ भी किसी भी टाइप का टैक्स दूसरा होता है, है, है इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं उनको, वो लिखा होता है चौथा जुडिशरी के ऊपर कोई भी खर्चा होता है इसमें लिखा होता है कोई भी खर्चा जो है आप कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकाल रहे हो आर्टिकल टू में आर्टिकल 266 में जो है आपका लिखा हुआ है आर्टिकल uh, टू आप कोई भी पैसा निकाल रहे हो तो वो आपका मनी बिल के अंदर लिखा जाएगा दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट मनी बिल का आर्टिकल नंबर कितना होता है मनी बिल का आर्टिकल नंबर होता है एक सौ दस क्लियर मनी बिल के ऊपर कभी भी अमेंडमेंट नहीं लग सकती राष्ट्रपति कोई अमेंडमेंट यहां पर नहीं, नहीं सॉरी लगा नहीं सकता अमेंडमेंट uh, कह रहा हूं सॉरी विटो पावर नहीं लगा सकते मनी बिल के केस के अंदर और अमेंडमेंट बिल के केस के अंदर भी कोई भी जो है आपकी राष्ट्रपति विटो पावर नहीं डाल सकता ये ध्यान रखना है तो हु सर्टिफाइज द मनी बिल तो दैट मीन स्पीकर ऑफ द लोकसभा स्पीकर अध्यक्ष जो है लोकसभा के ये आपके प्रोवाइड करते हैं समझ आया है आप लोगों को जी सो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर स्पीकर ऑफ लोकसभा इज द राइट वन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट क्लियर इनमें से आपको एक चीज और बता देता हूं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कौन होते हैं रियल एग्जीक्यूटिव रियल एग्जीक्यूटिव एक्चुअल में कानून कौन लगाते हैं हमारे देश के अंदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिसका हेड कौन होता है हमेशा प्राइम मिनिस्टर सो दे आर द रियल एग्जीक्यूटिव क्लियर प्राइम मिनिस्टर को हम बोलते हैं हेड ऑफ द गवर्नमेंट हेड ऑफ द गवर्नमेंट और राष्ट्रपति को बोलते हैं हम हेड ऑफ द स्टेट क्लियर याद रखना वाइस चेयरमैन कौन वाइस uh, प्रेसिडेंट कौन होता है एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा क्लियर ये आपको ध्यान रखना है आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर समझ आया आप लोगों को जी सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर यस सी ऑप्शन इज द राइट वन चलिए अगला आंसर बताइए क्वेश्चन है एनिमल प्रोटेक्शन वर्ल्ड को लेके आए गए थे कंट्रीज बहुत सारी कंट्रीज आई अंडर द कवर ऑफ साइट्स साइट्स के अंदर आए और इसमें ई e वर्ड का मतलब क्या है पहली बात तो साइट्स वर्ड का मतलब क्या होता है साइट वर्ड का मतलब क्या होता है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर स्पीशीज लिख देता हूं मैं आपको पेपर में पूछ लिया जाता है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज इंडेंजर्ड स्पीशीज क्लियर यह इसका फुल फॉर्म होता है इंडेंजर्ड स्पीशीज और किसकी इंडेंजर्ड स्पीशीज वाइल्ड लाइफ वाइल्ड सॉरी वाइल्ड जो है हाँ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा फोना एंड फ्लोरा मतलब एनिमल्स और एनिमल्स और जो है प्लांट्स की ये आपकी कन्वेंशन होती है साइट्स ठीक है दिस इज इंपॉर्टेंट वन अब ये साइट्स जो है इस word e -word है इसमें क्या क्या वर्ड 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 पूछा पूछा उसने ई ई का तो e -word से मतलब क्या हो गया आपका इंडेंजर्ड कहां पे ऑप्शन यहां पे सो ए ऑप्शन हां ए ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर इन इंडेंजर्ड लुप्त प्राय जिसे आप कहते हैं तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका वन ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर एक चीज आपको और बताता हूं क्या एक होती है आपकी रेड लिस्ट रेड लिस्ट ठीक है रेड लिस्ट पूछा जाता है कि रेड लिस्ट का मतलब क्या होता है रेड लिस्ट का होता है ये छापते कौन है आई वाले इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस जिसके हेडक्वार्टर कहां पे है ग्लैंड स्विट्ज़रलैंड के अंदर है ग्लैंड स्विट्जरलैंड के अंदर हेडक्वार्टर है ये हमें बताते हैं आपके इंडेंजर्ड प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में इंडेंजर्ड इंडेंजर्ड प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में हमें बताते हैं समझ आया है आप लोगों को प्लांट्स और एनिमल के बारे में और इंडेंजर्ड मतलब जो खत्म हो सकते हैं या फिर आप कह सकते हो थ्रेटन प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे में हमें कौन बताता है रेड लिस्ट हमें बताती है दिस इज इंपॉर्टेंट पार्ट एक चीज आपको और याद करनी है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फॉर वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ठीक है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इसका डब्ल्यू डब्ल्यू एफ का जो लोगो है वो कौन है दैट इज पांडा 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 इज द लोगो दिस इज वन क्लियर इवायरमेंट के साथ आपको मैंने दो एक्ट आपको और याद करवाए हुए हैं कौन कौन से याद करने हैं आपको इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट याद करना है ठीक है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था 86 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आपको याद करना है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ये आपका आया था 72 में एक आपको मैंने बताया था बायोडाइवर्सिटी वाला एक्ट आपको याद करना है बायोडाइवर्सिटी एक्ट कब आया था दैट इज इन द 2002 ठीक है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल याद रखना है आपको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब आया था आपका 1987 में ओजोन होल हुआ था जब एटी सेवन में आया था ये एक्ट आपको याद करने हैं इन्वायरमेंट के साथ आपका याद करना है यूनाइटेड नेशन नेशनमेंट प्रोग्राम जिसके हेडक्वार्टर कहाँ पे है नैरोबी कीनिया के अंदर हेडक्वार्टर है नैरोबी कीनिया के अंदर हेडक्वार्टर है और एनवायरमेंट के साथ एक और एसोसिएशन है ग्रीन पीस ग्रीन पीस जो बात करती है ग्रीन पीस के हेडक्वार्टर कहाँ पे एम्स्टरडेम में एम्स्टरडेम किसकी कैपिटल है नीदरलैंड की नीदरलैंड के अंदर एक जगह है हेग एच ए यू -E, हेग हेक हेडक्वार्टर है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जो यूएन की एक ब्रांच है यूएन के हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क के अंदर है क्लियर सिर्फ आईसीजे जो है उसके हेडक्वार्टर हेग के अंदर है इसके अंदर पंद्रह जजेज होते हैं और एक एक जज का कार्यकाल कितना होता है नौ साल का होता है ये भी आपको याद रखने हैं समझ आया आप लोगों को ये टिप्स पे होनी चाहिए चीजें पेपर में आपको ऐसी देखने को मिलेंगी सारी चीजें समझ आया तो ये क्लियर होना चाहिए आपके दिमाग में चलिए जी आगे देखते हैं क्वेश्चन देखिए जी क्या कहता है हाइएस्ट टाइगर पॉपुलेशन जो है हमें रिसेंट रिपोर्ट मिली थी तो कौन सी आपकी इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने दी है कौन सी स्टेट के अंदर जो है सबसे ज्यादा टाइगर पॉपुलेशन देखने को मिलती है टाइगर पॉपुलेशन वहीं पर है जहां पे आपके सबसे ज्यादा वन है फॉरेस्ट है और वो कौन सी है मध्य प्रदेश आंसर इसमें क्या बनेगा बी ऑप्शन बनेगा यहाँ पे फॉरेस्ट रिजर्व भी बहुत ज्यादा है फॉरेस्ट कवर भी सबसे ज्यादा देखने को आपको मिलता है और हमारे इंडिया के अंदर फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है आपका डेट इज इन द देहरादून देहरादून ठीक है देहरादून के अंदर और किसके हेडक्वार्टर है सर्वे ऑफ इंडिया के सर्वे ऑफ इंडिया के भी हेडक्वार्टर है इंडियन मिलिट्री अकेडमी भी है यहां पे ठीक है इंडियन मिलिट्री अकेडमी है फॉर डिपार्टमेंट है और किसके हेडक्वार्टर है देहरादून डेट सेट क्लियर ये आपको याद रखना है और मध्य प्रदेश जो है टाइगर पॉपुलेशन देखने को आपको मिली मध्य प्रदेश में टाइगर जो है प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च किया गया था 1973 के अंदर क्लियर 1973 से आपको एक और चीज याद रखनी है केशव नंदा भारती केस जिसमें आपकी बात करी गई थी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात करी गई थी और टाइगर जो है हमारा नेशनल एनिमल है इसका नाम क्या है टिगरिस, पैंथरा टिग्रिस क्लियर याद रखिए पेंथरा टिग्रिस का मतलब ये वर्ड है आपका जीनस और ये होती है स्पीशीज क्लियर इसका मतलब क्या होता है बाइनोमियल नॉमन क्लेचर इसका मतलब क्या होता है बाइनोमियल नॉमन कल्चर द्वी नाम पद्धति एक बंदे का नाम दो चीजों से जुड़ा हुआ है और ये किसने बताया था हमें लीनियस ने बताया था ये लीनियस कौन है फादर ऑफ टेक्सोनोमी टेक्सोनोमी का मतलब क्या होता है कोई भी हमने स्पीशीज ढूंढी है उसका नाम क्लासिफाई करना सब कुछ किस कैटेगरी में डलेगा प्लांट्स एनिमल फंगस किस में डलेगा वो होती है टेक्सोनोमी उसके फादर कौन है लीनियस लीनियस ने ही बताया था बाइनोमल नॉमनकल्चर लीनियस ने ही हमें बताया था टू किंगडम क्लासिफिकेशन प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में ठीक है लेकिन एक बंदा था आर एच विटकर आर एच विटकर ठीक है उसने हमें क्या बताया था फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन जिसमें उसने बोला था मोनरा पोटिस्टा फंगस प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में ठीक है पांच किंगडम क्लासिफिकेशन आर एच विटकर ने हमें प्रोवाइड करी थी तो दिस इज इंपॉर्टेंट वन समझ आया आप लोगों को जी तो ये आपको याद रखना है सारी चीज़ें आपको मैंने घुमा दी हैं लेकिन आपको पढ़नी है ये चीज़ें ये पता होना चाहिए आपको चलिए अगला बताइए गांधी इरविन पैक्ट जो है कौन से साल में साइन हुआ था इसको हम और क्या कहते हैं दिल्ली पैक्ट के नाम से भी आप इनको जानते हैं दिल्ली पैक्ट ये साइन हुआ था पांच मार्च उन्नीस को फाइव मार्च थर्टी वन को आंसर इसमें क्या बनेगा आपका बी ऑप्शन बनेगा राइट right आंसर यहां पे इरविन कौन है गवर्नर जनरल वाइस रॉय है इंडिया के एक्चुअली ये साइन क्यों किया गया था दो चीजें चल रही थी क्योंकि गांधी जी ने यहां पे लॉन्च किया हुआ था सीडीएम डी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कब लॉन्च किया था 1930 में लॉन्च किया किया था था आप सबको पता है है इरविन गवर्नर जनरल है और इस टाइम पे इन्होंने अंग्रेजों ने क्या किया हुआ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ला रखी थी थीट रिफॉर्म के लिए ठीक है जो आपका नाइनटीन से चली थी अब पहली मीटिंग में कोई भी नहीं गया मतलब आई गई ही नहीं है तो इसीलिए इरविन गांधी के पास आया उसको बोलता चाहिए क्या आपको तो गांधी जी बोलते हैं जितने भी आपने पॉलिटिकल प्रिजनर पकड़ रखे हैं ना उनको छोड़ दो पॉलिटिकल प्रिजनर्स को छोड़ दो लेकिन इविन ने बदले में क्या कहा कि आपको जो है सीडीएम को खत्म करना पड़ेगा सीडीएम को खत्म करना पड़ेगा और सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आपको आना पड़ेगा सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आना पड़ेगा रिफॉर्म्स के लिए गांधी जी ने हाँ कर दिया इरविन ने सारे पॉलिटिकल प्रिजनर छोड़ दिए और जो है यहां पे सीडीएम खत्म हो गया गांधी जी गए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में सेकंड मीटिंग में आईएनसी की साइड से किसने रिप्रेजेंट किया था आपका गांधी जी ने किया था और यहां पे एक लड़की यानी कि वीमेन सेक्शन को भी जो है आपका रिप्रेजेंट किया गया विमेन सेक्शन में किसने किया था सरोजिन नायडू ने रिप्रेजेंट किया था सरोजिन नायडू कौन है नाइनटिंग ऑफ इंडिया जिन्होंने जिन्होंने क्या बोला था मोहम्मद अली जिन्ना के लिए बोला था लखनऊ पैक्ट के बारे में अंबेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी कौन है मोहम्मद अली जिन्ना लखनऊ पैक्ट के लिए क्लियर अब एक चीज़ बताइए जब ये सेकंड मीटिंग में गए तो सेकंड मीटिंग में इनसे कुछ पूछा नहीं गया कुछ कुछ इनसे पूछा नहीं गया कोई भी बात नहीं हुई वहां पे और एट द एंड जो है सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी फेल हुई गांधी जी ने इंडिया में आकर सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद जो है सीडियम फिर लॉन्च कर दिया फिर जेल में डाला गया हड़ताल मतलब जेल में डाला गया और वहां पर क्या हुआ पीछे से राम से मैकडोनल्ड अवार्ड जो आपका कम्युनिज्म के ऊपर कि हम जो है रिप्रेजेंटेशन सभी वर्ग के सेक्शन को लोगों को देंगे तो जिसके बाद गांधी जी ने भूख हड़ताल करी जेल के अंदर और एट द एंड बाद में क्या साइन हुआ पूना पैक्ट पूना पैक्ट साइन हुआ पूना पैक्ट 1932 में साइन हुआ था किसके बीच में गांधी अंबेडकर पैक्ट जिसे आप कहते हैं लेकिन इसमें साइनिंग अथॉरिटी कौन थी अंबेडकर और मदन मोहन मालविया सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है अंबेडकर और मदन मोहन मालवीय जी के साइन थे लेकिन पैक्ट का नाम क्या है गांधी अंबेडकर पैक्ट क्लियर जिसे आप पूनपैक्ट कहते हैं दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट क्लियर ये सारी कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए में क्या बनेगा आपका बी ऑप्शन बनेगा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहां पे हो रही थी लंदन में तीनों की तीनों कॉन्फ्रेंस वहां पे हुई है तीनों मीटिंग में दो लोगों ने पार्टिसिपेट किया था कौन कौन से एक तो थे भीमराव अंबेडकर भीमराव अंबेडकर जी थे और एक थे आपके तेज बहादुर सपरू ये तो, दो लोग थे जिन्होंने तीनों की तीनों मीटिंग में पार्टिसिपेट किया था दिस इज इंपॉर्टेंट वन तो आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट वन ठीक है चलिए जी अगला आंसर बताइए फटाफट फटाफट आंसर बताइए अगला <coughs> अगला क्वेश्चन बताइए जी एमरजेंसी प्रोविजंस के लिए इनमें से कौन सा आपका <coughs> जी 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 एमरजेंसी प्रोविजन के लिए इनमें से जो है आपका कौन सा पार्ट आता है जल्दी से जल्दी बताओ फटाफट शाबाश इसमें देखिए जी जो नाइन वाला पार्ट है ये पंचायती राज के लिए है ठीक है और उसके बाद जो है तेरवा तेरवा जो है आपका किसके लिए है ट्रेड कॉमर्स के लिए बिटवीन द स्टेट ट्रेड कॉमर्स के लिए बिटवीन द स्टेट्स ये आपका तेरवा वाला है और उसके बाद है किसके लिए है जल्दी से जल्दी बताओ बिल्कुल आपका यहां पे एस सी एस टी के लिए स्पेशल प्रोविजंस देना स्पेशल प्रोविजंस ये है और इसका आंसर क्या बनेगा आपका एटीन यानी कि पार्ट एटीन इज द करेक्ट आंसर पार्ट सत्रह कौन है लैंग्वेज लैंग्वेज इस और लिखी हुई है आठवें स्केड में भी लिखी गई है कितनी ऑफिशियल दिया जाता है, है हो गया. एक चीज आपको और बतानी है पंचायती राज इंस्टीट्यूट के बारे में तिहत्तरवा संशोधन हुआ था सेवेंटी थर्ड अमेंडमेंट एक्ट नाइन जिसके अंदर जो है पहली उन्नति सब्जेक्ट के ऊपर कानून बना सकती है पंचायत और पहली पंचायत कब स्टार्ट करी गई थी डेट इज इन द नागोर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान के अंदर नागोर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में क्लियर और दूसरी स्टेट कौन सी थी आंध्र प्रदेश जहां पे स्टार्ट करी गई थी और हाँ ठीक है ये आपको ध्यान रखना है और डेट सेट एमरजेंसी के बारे में हम बात कर सकते हैं नेशनल एमरजेंसी फाइनेंशियल एमरजेंसी और आपका कॉन्स्टिट्यूशनल एमरजेंसी नेशनल एमरजेंसी तीन सौ बावन तीन सौ साठ फाइनेंशियल की और कॉन्स्टिट्यूशन वाली आपकी तीन सौ छप्पन क्लियर नेशनल इमरजेंसी तीन कारणों के लिए लगती है एक्सटर्नल एग्रेशन एक्सटर्नल एग्रेशन आर्म्ड uh, ड्रिबिलियन और आपका वॉर ठीक है तीनों रीजन के कारण लगी हुई है एक्सटर्नल एग्रेशन में 1962 इंडिया चाइना वॉर इंडियन इंडिया पाकिस्तान 1971 और एक लगी थी इंटरनल डिस्टर्बेंस के कारण इंटरनल डिस्टर्बेंस होता था पहले वर्ड आंतरिक असंतुलन पहले वर्ड होता था उसको हमने चेंज किया था आम ड्रिबिलियन में नाइनटीन uh, सेवेंटी में इंदिरा गांधी जी के टाइम पर लगी थी कौन सी लगी थी दैट इज दैट इज आपकी Uh, जो है इंटरनल डिस्टर्बेंस के नेशनल इमरजेंसी फक्रुद्दीन अली अहमद वाज़ा द प्रेजिडेंट एट दैट टाइम 75 में क्लियर और उसके बाद फोर्टी फोर्थ अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग चवालीसवें संशोधन के अकॉर्डिंग हमने इंटरनल डिस्टर्बेंस वर्ड चेंज कर दिया था रिविलियन में क्लियर हो गया फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी नहीं लगी हमारे देश में आर्टिकल 360 के अंदर आपको पेपर में यह भी पूछा जा सकता है कि अभी तक कौन सा आर्टिकल इंप्लीमेंट नहीं हुआ कौन सा आर्टिकल अभी तक लागू नहीं किया गया वो आपका 360 कभी भी लागू नहीं किया गया तीन आपका कॉन्स्टिट्यूशन एमरजेंसी प्रेजिडेंट रूल आपका स्टेट एमरजेंसी इसको कहा जाता है समझ आया आप लोगों को तो ये आपको चीजें पता होनी चाहिए आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा राइट वन अगला बताइए जी फटाफट फड़। <coughs> अगला आंसर बताइए फटाफट फड़। ये तो मेरे स्टूडेंट हो तुम लोग टिप्स पे होनी चाहिए चीजें ऐसे ठीक है क्योंकि जब आप स्टार्टिंग से पढ़ रहे हो मेरे से चलिए जी चलिए शाबाश देखिए 78, एट एटी सिक्स टू सिक्स ये आपकी अमेंडमेंट्स है तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है राइट टू एजुकेशन कब हुआ था राइट टू एजुकेशन वाला आर्टिकल ट्वेंटी वन ए में है आर्टिकल फोर्टी फाइव में है ग्यारहवीं फंडामेंटल ड्यूटी है आपकी फोर्टी फाइव डीपीएसपी के अंदर आता है ए फंडामेंटल राइट के अंदर आता है इलेवंथ आपकी फंडामेंटल ड्यूटी है और ये आपके संशोधन था एटी सिक्स अमेंडमेंट एक्ट टू थाउजेंड टू जिसमें आपके इक्कीस ए के अंदर छह से चौदह साल को पढ़ने का हक है फोर्टी फाइव में जीरो टू सिक्स ईयरस के बच्चे को पढ़ाना स्टेट की जिम्मेदारी है यहाँ पे पेरेंट्स की जिम्मेदारी है छह से चौदह साल के बच्चों को पढ़ाए ठीक है सो दिस इज द आपकी एटी सिक्स अमेंडमेंट एक्ट टू थाउजेंड टू अब यहाँ पे कुछ अमेंडमेंट्स आपको याद करनी है नाइनटी मैंने आपको याद करवाई हुई है जिसमें लास्ट में आपकी चार लैंग्वेजेस ऐड करी गई थी ऑफिशियल लैंग्वेजेस में तो टोटल नंबर पहुंच चुका था 22 और ये चार लैंग्वेजेस कौन सी थी बोडो डोगरी मैथली और संथाली सो दीज वर द फोर लैंग्वेजेस ठीक है और हमारा नंबर ऑफिशियल लैंग्वेजेस का कितना पहुंच गया बाइस हमारे यहाँ ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है कौन सी आर्टिकल में लिखा गया है 343 के अंदर लिखा गया है ये भी आपको याद रखना है 78 अमेंडमेंट 96 अमेंडमेंट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है बस आपको यही याद करिए दो ही याद कीजिए ठीक है जी सेवेंटी एट वैसे आपकी वो है एंटी uh, जो है आपका डेट इज नाइन्थ स्कड्यूल वाली है लैंड रिफॉर्म वाली है बट पढ़ने की जरूरत नहीं है नाइन्टी सिक्स uh, जो है उड़िया से उड़िया वर्ड चेंज किया गया था उड़िया से उड़िया को उड़िया चेंज किया गया था पढ़ने की जरूरत नहीं है ये दो इंपॉर्टेंट है एटी और नाइन्टी टू इंपॉर्टेंट है क्लियर सो आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट वन अगला बताइए फटाफट जल्दी से जल्दी बताइए अगला क्वेश्चन क्या बनेगा <coughs> क्वेश्चन क्या बोलता है इंडस वैली साइट्स के अंदर जो है आपकी कहां पे राइनोसिरोस के जो है साइन मिलते हैं राइनोसिरोस हमारे इंडिया में कहां पे देखने को मिलता है काजीरंगा नेशनल पार्क में पहली बात हो काजीरंगा वन हॉर्न राइनो जो है काजीरंगा नेशनल पार्क में देखने को मिलता है असम के अंदर ठीक है अब बात आ जाओ इंडिया के अंदर इंडस वैली साइट कौन सी थी जहां पे राइनो के देखने को साइन मिले थे दैट इज अमरी इट्स अमरी अमरी इज द राइट आंसर डी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर हडप्पा पहली साइट डिस्कवर करी गई थी और कैपिटल सिटी थी हडप्पा के अंदर आपको जो है सिक्स रोज ऑफ देखने को आपको मिली है यहाँ पे सिक्स मोहदारों के अंदर जो है जिसे आप माउंट ऑफ द डेड कहते हैं मृतकों का टीला माउंट ऑफ द डेड यहां पे आपको ग्रेट ग्रीनरी सबसे बड़ी साइट थी आपकी जो है किसके अंदर डेट इज द इंडस वैली साइट के अंदर ग्रेट ग्रीनरी इसको कहा जाता है और दूसरा ग्रेट बाथ यहां पे देखने को आपको मिला ठीक है पशुपति महादेव की सील देखने को आपको मिली है यहां पे ठीक है पशुपति के अराउंड जो एनिमल है वो कौन कौन से हैं बफेलो है, है एलिफेंट है राइनो है टाइगर है और दो पैरों में हिरण भी देखने को आपको मिलते हैं पशुपति महादेव की सील देखने को मिली और यहाँ पे क्या देखने को मिला था डांसिंग गर्ल ब्रॉन्ज इमेज डांसिंग गर्ल की जो है इमेज देखने को आपको मिली डांसिंग गर्ल इमेज ब्रॉन्ज ब्रॉन्ज की क्योंकि इंडस वैली को हम और क्या कहते हैं ब्रॉन्ज एज भी कहा जाता है ब्रॉन्ज इसलिए कहते हैं क्योंकि कॉपर और टिन से बना हुआ है ठीक है कॉपर और टिन से का सबसे पहली मेटल डिस्कवर करी गई थी कॉपर और इंडस वैली को हम और क्या कहते हैं प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड भी इसको कहा जाता है प्राक ऐतिहासिक प्राक ऐतिहासिक का मतलब यहाँ पे लिखित में कुछ नहीं है सिक्कों से पिक्चरों से देख के हम इसकी साइट्स को डिस्कवर करते हैं इसीलिए पूछा जाता है कि इंडस वैली साइट की जो स्क्रिप्ट थी वो कौन सी थी पिक्टोग्राफिक पिक्टोग्राफिक इसको कहा जाता है पिक्टोग्राफिक यानी कि पिक्चरों से हम पता करते हैं कालीबंगन काले कलर की बैंगल्स यहाँ पे देखने को आपको मिली थी कालीबंगा उसको कहा जाता है और यहां पे फायर ऑल्टर्स देखने को आपको मिले फायर ऑल्टर्स मतलब अग्निकुंड अग्नि कुंड हमें कालीबंगन और आपके कहाँ पे देखने को मिले थे लोथल में भी देखने को मिले थे लोथल जो थी आपकी कौन सी सिटी थी जहाँ पे ट्रेड होता था डॉकयार्ड वगैरह यहाँ पे थे ठीक है और ये पोर्ट सिटी थी आपकी पोर्ट सिटी क्लियर हो गया आप लोगों को तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका डी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर जी डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन क्लियर सो so, अच्छा एक चीज़ आपको और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब इंडस वैली सिविलाइजेशन हो रही थी तो और कौन कौन सी सिविलाइजेशन चल रही थी चाइनीज चल रही थी इजिप्ट चल रही थी और मिसो वाली चल रही थी ठीक है ये तीन सिविलाइजेशन जो है हमारे साथ चल रही थी जब हमारे देश में हमारे इंडिया में इंडस वाली सिविलाइजेशन चल रही थी और वर्ल्ड वाइड ये चीजें चल रही थी हमारे साथ ही चल रही थी चाइनीज इजिप्ट और वाली क्लियर मिसो so, ये है आज के लेक्चर के अंदर क्वेश्चन स्टार्टिंग वाली वीडियो बिल्कुल देख लेना कि क्या क्या चीजें आपको आईबी के लिए पढ़नी है अब हम जो आईबी वाले बच्चे हैं जो आईबी वाले बच्चे हैं वो सिर्फ और सिर्फ मैराथन क्लास में आएंगे सैटरडे वाली उनके लिए स्पेशल क्लास ले रहा हूं मैं और अपने दोस्तों को भी बता देना जो देख रहे हैं ठीक है और प्लस आईबी के लिए जो चीजें पढ़ चुके हैं उसको रिवाइज कर दो तो नौ दिन कहीं भटकना नहीं है सिर्फ उस वाली क्लास में आ जाना जो हम क्लास में बताएंगे बाकी जो भी अपडेट्स होंगे वो तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल के यहाँ पे बताता रहूंगा यहाँ पे आप ज्वाइन कर लेना यहां पे टेलीग्राम चैनल के ऊपर आप ज्वाइन कर लेना बाकी आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं यहां पे कोई भी डाउट आता है किसी टाइप का आप मुझे यहां पे मैसेज कर सकते हैं और मेरे दो पेड कोर्सेज आते हैं टेन थाउजेंड एमसीयू कोर्स जिसके अंदर हमने चैप्टर वाइज एमसीक्यू डिस्कस किए हैं बहुत डिटेल में और इसके अंदर जो मैंने बोला है आपको आई के लिए छह वीडियोज मैंने डाली है वो तो आपको हंड्रेड परसेंट देखनी है चार वीडियोस में दो तीन दिन में इसको डाल दूंगा ताकि आपको ये दस वीडियोस जो है आपको हंड्रेड परसेंट देख के जानिए एग्जाम से पहले ठीक है और इसके अंदर एक कूपन कोड है टेन वी, आप इसको लगाएंगे तो डिस्काउंट मिल जाएगा दूसरा कोर्स है हमारा जीएस कोर्स जो हमारा पूरा का पूरा थे कोर्स है इस थेरी कोर्स के अंदर एक कूपन कोड है वी आई डिस्काउंट ले सकते हैं आप इनको दे के आप इन कोर्सेज को परचेज कहाँ से करोगे स्टडी आई ऐप से भी कर सकते हैं आप लोग ठीक है और आप जो है स्टडी वेबसाइट के ऊपर भी देख सकते हैं आप इन कोर्सेज को ही आप इनको खोलोगे आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा होम पेज होम पेज के बाद देखेगा आपको बेस्ट सेलिंग कोर्सेज यहाँ पे व्यू ऑल का बटन इस व्यू ऑल के बटन को दबाना जैसे आप दबाओगे टेन थाउजेंड एमसी कोर्स आपको नजर आएगा तीसरे नंबर पे और जीएस कोर्स नजर आएगा आपको पांचवें छठे नंबर के ऊपर जो भी कूपन कोड है लगा लेना और डिस्काउंट ले लेना ठीक है तो ये सारी चीजें हैं जो बच्चे आईओ वाले हैं आईओ वाले जो है वो सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर देखेंगे स्टडीआई क्यू वेबसाइट के ऊपर जो एंड्रॉइड वाले हैं वो दोनों ही देख सकते हैं सब जगह के ऊपर ठीक है जी आप लोगों को हाँ जान लगा दो मैं आपको बता रहा हूँ जान लगा दो नौ दिन रह गए हैं नौ दिन ठीक है जान लगा दो दिन रात एक कर दो यार तुम क्या नहीं कर सकते भटको मत नौ दिन YouTube से परे हट जाओ मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ सिर्फ मेरी मैराथन क्लास देख के आना अब जी की बाकी कुछ नहीं कहीं से कुछ नहीं पढ़ना आपने जो आपके नोट्स हैं बस उसको रिवाइज करो ज्यादा से ज़्यादा ठीक है कहीं से भी आप पढ़ रहे हो चाहे मेरे से पढ़ रहे हो किसी और यूट्यूब चैनल से पढ़ रहे हो चाहे ऑफलाइन पढ़ रहे थे कहीं से भी कुछ पढ़ रहे थे आप लोग सिर्फ उसको रिवाइज कर दो बस बहुत है और कुछ नहीं पढ़ना और जो पेड़ पेड़ ग्रुप वाले बच्चे हैं जिनको मैंने बोला है कि जो पढ़ना है सिर्फ उसके ऊपर फोकस करके जाओ नौ दिन मैं आपको बता रहा हूं बिलीव मी पेपर हमारा यहीं से आएगा यहीं से फंसेगा ठीक है और आपके मैसेजेस आएंगे मुझे पक्का पता है अठारह उन्नीस बीस पूरे लगातार मैसेज आएंगे सर मजा आ गया सर जीएस पूरी आती थी जीएस की गारंटी मेरी है जीएस मेरे भरोसे छोड़ दो ठीक है किसी भी एग्जाम की, की, की किसी भी एग्जाम की स्टेट पीसीएस की एसएससी की रेलवे की किसी भी एग्जाम की ठीक है आप मेरे ऊपर जीएस छोड़ दो जीएस मैं आपको पक्का हंड्रेड परसेंट करेक्ट करा के दिखा दूंगा बस पढ़ना है लेकिन जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे पढ़ना है ठीक है वो आईबी के सेट जो छे हैं चार और आएंगे उनको पढ़ के जाना हंड्रेड परसेंट पढ़ के जाना ध्यान से समझ आया जी 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 ठीक है बिल्कुल कर लो कर लो कर लो रिवाइज कर लो जो आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करो क्लियर हो गया आप लोगों को चलो सो गाइज मैं चलता हूं आपको मैं बता दूं आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज कर सकते हो कोई भी अगर किसी टाइप का डाउट होता है डॉक्टर विपिन गोयल सर्च कर लेना यहां पे आप मुझे मैसेज भेज सकते हो किसी भी टाइप का डाउट होता है ठीक है पढ़ना है बंद करो यूट्यूब चैनल्स कोई मैथ्स की क्लास नहीं देखनी कोई जो भी जहां से भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ना बस मैं आपको वही कहूंगा कि उसको रिवाइज करो नौ दिन लग जाओ दिन रात एक कर दो एग्जाम आपका ही होगा हंड्रेड परसेंट एग्जाम आपका होगा अगर आप पढ़ोगे ढंग से ठीक है सो गुड गाइस टेक केयर बाय जय हिंद थैंक यू सो मच